हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को। मैं रोनी मानसुजा, अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम अवगत हैं, बेसिकली अवेयर है कि हमारा ये जो सेशन है ये कौन सा सेशन होने वाला है। सेशन हमारा मेंस का है, ऑप्शनल में जो मैपिंग आती है इंडिया की और वर्ल्ड की, दोनों का सेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। बेसिकली ये क्या होता है, रिविजन क्लासेस है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका एक सेशन हम लोगों ने ऐप पे कर लिया है और कुछ स्टूडेंट के लिए ये रिवीजन सेशन होगा, और जनरली मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फ्रेश सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ जो गतिविधि है अनअकैडमी की, जो रिचुअल्स है, परंपरा है, मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं रोनी मानसुजा सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी यूपीएससी चैनल पे। वेरी गुड इवनिंग श्वेता, कविता, दशानन, रावण, इज दिस क्लास फॉर ऑप्शनल? ऑप्शनल में जो प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस हैं उसको लेकर के है, ठीक है? तो एक मैपिंग का सेशन आता है दशानन, जिसमें आपको टॉपिक दिया जाता है, पॉइंट दिए जाते हैं, जगह दी जाती है, और उसको आपको ब्लैंक मैप पे सजाना होता है, बताना होता है कि ब्लैंक मैप में उसकी जगह कहाँ है। हमने जो सेशन स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले वर्ल्ड के सेशन को स्टार्ट कर लिया कि वर्ल्ड में वो कौन कौन से पॉइंट है जो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है ऑप्शनल के तरीके से, और इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। तो ये है सारा का सारा फलसफा हमारा। सभी को जय हिंद। चलो चलो चलो, तो स्टार्ट करते हैं डियर जी। सबसे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे रोहिणी मानसू झा सेम नाम से मिल जाऊंगा। फायदा ये होता है कि जितने भी सेशंस आते हैं सारे सेशंस के लिंक और पीडीएफ दोनों आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लर्निंग ऐप पे भी, नाम है एट रोहन झा 10। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो मैं मिलूंगा। नमस्कार सरित प्रीतम, प्रेम कुमार यादव, वेरी गुड इवनिंग, खुशी पवार, वेरी गुड इवनिंग डियर जी। और यहाँ पे अन अकेडमी समय समय पे कुछ चीज़ें आपके लिए लाता रहता है। अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप डेट आपको फोकस रखना है, 30 जून 10 से 12 बजे आना है। एनरोल फ्री होगा, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, जाकर के उस पर क्लिक करना, कोड पूछेगा, मेरा कोड अप्लाई कर देना, लाइव टेस्ट होगा डियर जी। स्कॉलरशिप है आपके लिए, जो टॉप 50 होंगे गाइडेंस मिलेगी यूपीएससी मेंटर के थ्रू, और भी बहुत सारे कुछ है यहाँ पे। देखो प्राइजेस वगैरह देखोगे तो वो भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। नहीं, दशानन रावण ये क्लास सबके लिए है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो आपकी प्री में भी आती है, तो वहाँ पर उसके लिए भी आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देन यहाँ पर कॉम्बो प्राइसेस है, जीएस और ऑप्शनल का प्राइसेस पहले का और अब का प्राइसेस देख लो, आइकोनिक प्लस ऑप्शनल का पहले का प्राइस, अब का प्राइस देख लो। बेसिकली भारी गिरावट है 25% की, मेरा कोड अप्लाई करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन में। तो बेसिकली 35% की बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन ले लो। और बैच स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 2 जून से, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर 2 ईयर एनसीईआरटी बैचेस, सब्सक्रिप्शन के 2 मॉडल है यहाँ पे, आइकॉनिक और प्लस है। आइकॉनिक का यहाँ पर प्लान है सर, प्लस का भी यहाँ पर प्लान है, किसी भी प्लान को चूज करो। उससे पहले वो कोड मांगेगा, मेरा कोड अप्लाई कर दो, 10% बेनिफिट मिलेगा। सर क्या फ़ायदा है आइकॉनिक में? पर्सनल कोच आपको मिलेंगे मेंस के लिए, एक्स्ट्रा एज पाने के लिए आपको इस चीज़ की जरूरत होती है। तो आइकोनिक में पर्सनल गाइडेंस एक्सप्रेस दोनों मिलेगी, प्लस में डीआरजी ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऑप्शनल पे और कॉम्बो के ऑफर पे अभी इन दोनों पे 25% प्लस 10% दोनों का जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो जाइए लीजिए अनअकैडमी पे, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं सारी लिस्ट आपके सामने। टॉप एजुकेटर अवेलेबल ही हैं, प्री टेस्ट सीरीज भी जो है आपकी ओपन कर दी गई है 2021 को लेकर के। उसके लिए एक कोड पूछेगा, पता है रोहन सर का कोड अप्लाई कर देना। और बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे 11 बजे होता है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, एनरोल कराने के लिए रोहन सर का कोड है। फायदे दो होंगे, पहला आप कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो आपको पता चल जाएगा। और 1 से 3 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग होती है तो सब्सक्रिप्शन पे बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। वेलकम विक्रम मदही जी, बेटा वेलकम, ये प्रेम कुमार यादव। अब वो तो डिपेंड करता ना आप पे कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम उस क्वेश्चन का एनकाउंटर करते हैं या क्वेश्चन हमारा एनकाउंटर कर देते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दैम, है ना। नहीं मेंस ऑप्शनल में नीचे भी अगर आप देखोगे डियर जी, तो उसमें लिखा हुआ प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस, ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, ऐसी जगहें जो प्री के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। एक ब्लैंक मैप देगा जो मेंस में जो होता है, जो ट्रेंड देखा गया पहले, हालांकि अभी रिसेंटली जो ट्रेंड देखा गया उसमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2016-17 से पहले पहले देखोगे तो उसमें जो ट्रेंड था वो वर्ल्ड के ज्योग्राफी के सेक्शन से ज़्यादा
क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो ट्रेंड थोड़ा सा मेंस का जो है चेंज हुआ है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ आएगा नहीं, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट मेरे आगाज़ के सेशंस को कर रहे हैं, और उस सेशन में हम लोगों ने जो अभी एशिया तो चल ही रहा है और ऑलरेडी जो हम चार कॉन्टिनेंट कर रहे हैं, तो अब आप है ना अवेयर हैं, ज़्यादातर आप अवेयर हैं जिन्होंने रिविजन किया होगा कि हाँ ये पॉइंट कहाँ है। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, दो ब्लैंक मैप देते हैं, क्योंकि हमने ब्लैंक मैप पे भी जो है हम साथ साथ के तैयारी करते रहते हैं, तो वो ब्लैंक मैप देते हैं, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी आपको दे देंगे। हाँ भाई बेटा ये ब्लैंक मैप है, इसमें कार्पेथियन माउंटेन बताओ आपको कहाँ है। सबसे पहले कार्पेथियन माउंटेन को पता करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। सर कार्पेथियन माउंटेन की लोकेशन अगर मुझे पता चल गई, फिर ये होगा कि मैप पे देखो कि वो पॉइंट कहाँ है, उस पॉइंट के ऊपर आप एक इमेजिनरी सेक्शंस में एक जो आर्क शेप है या चापाकार आकृति है उस तरह से एक लगा दो। हाँ बोलो कि सर ये यहीं पे कहीं पे है ना, आपको कार्पेथियन माउंटेन मिल जाएगा। एग्जामिनर ने ये नहीं कहता कि टू बी वेरी प्रिसाइस होना, आपको आपके आसपास भी होगा, हाँ ठीक है मार्क लग जाएंगे। तो जो ब्लैंक मैप पे हम लोग स्टडी करते हैं ना, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले सेक्शन से। आप क्वेश्चन पूछा गया कार्पेथियन माउंटेन, अभी हमने यूरोपियन कॉन्टिनेंट को ख़त्म किया है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जब मैं रोमानिया वाले सेक्शंस में जाऊँगा तो रोमानिया के अंदर जो कार्पेथियन माउंटेन का सेक्शन है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव है, सबसे ज़्यादा आपका नेटवर्क यहीं पे मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पोलैंड में भी कुछ हिस्सा मिल रहा है, चेक रिपब्लिक में भी कुछ हिस्सा है, स्लोवाकिया में भी कुछ हिस्सा है, हंगरी के अंदर कार्पेथियन माउंटेन नहीं है, है ना। हंगरी के और रोमानिया के बिल्कुल बॉर्डर पे टच कर रहा है, तो बेसिकली वो हंगरी का पार्ट नहीं है। हंगरी से ऊपर क्या था, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के सामने क्या था, स्लोवेनिया। सारी चीज़ों को ना यहाँ पर कवर करो। हंगरी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, आसपास जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्री देखोगे आप लोग आसपास वाले रीजन के अंदर, तो आपको लगभग सात ऐसे देश थे जो हंगरी को कनेक्ट कर रहे थे, याद आ रहा है, आ रहा है। तो हंगरी को छोड़ना है, पोलैंड को, चेक रिपब्लिक को और स्लोवाकिया को, साथ साथ में रोमानिया जहाँ पर इसका एक्सटेंशन ज़्यादा है। तो इस रीजन में आप लोग एक आर्क शेप बनाओगे, यही है सर हमारा कार्पेथियन माउंटेन, ठीक है बात खत्म। ये गूगल जो अर्थ का सेक्शन है, गूगल के अर्थ सेक्शन को उठा करके यहाँ पर रखा गया है। इसको अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक चाप जैसे आकृति में बनता हुआ दिखेगा, और इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो रोमानिया वाले सेक्शन में ही दिखेगा, कार्पेथियन माउंटेन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट को। अच्छा मैं बता दूं कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, स्टार्ट हमारा हुआ है 1979 से, जो कल हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने किया 82 तक, आज जो सेशन है वो हमारा होगा 82, 83 से 88 तक। तो यानी मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर के, वो क्वेश्चन 1983 से 88 तक, वो सारे के सारे सेशंस को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं, डन करने वाले हैं। तो ग्रेट सॉल्ट लेक आपको कहाँ मिलेगा, सर मुझे ग्रेट सॉल्ट लेने के लिए जाना है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कौन से कंट्री में, सर यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ पर आपको एक तो ग्रेट सॉल्ट लेक है, एक है ग्रेट रिवर वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो ग्रेट रिवर्स हैं वो वाला रीजन है, सर इसकी बात नहीं हो रही, बोल रहा है ग्रेट सॉल्ट लेक। तो इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यूटा वाला जो प्रोविंस है वहाँ जाना है। यहाँ पर आपको श्रीलंका जिस तरह से इंडिया के नीचे लटका हुआ है, वैसे यहाँ पर जो है यूटा के अंदर भी जो उसी श्रीलंका जैसे पॉइंट पे आपको एक बिंदु दिखेगा, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। बेसिकली ग्रेट सॉल्ट लेक की जो लोकेशन है वो कहाँ है, ये देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर आप लोग समझते हैं सर, एक है 0 डिग्री जिसे आप लोग GMT कहते हैं, इसका एक हिस्सा है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसका दूसरा हिस्सा है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ये कहता है कि पूरे के पूरे एंटायर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा जो सॉल्ट वाटर लेक मिलेगा, यानी सॉल्टी मिलेगा, ब्रैकिश मिलेगा, तो वो आपको ग्रेट सॉल्ट लेक ही मिलेगा, और इसीलिए इसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक, है ना। सॉल्टी है, ब्रैकिश है, एवोपोरेशन ज़्यादा है, मिनरल्स आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। चलिए इसकी भी पॉइंट होगी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पराना और परागवे बेसिन्स बताना आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको आप अभी तो आपके सामने ठीक है, हाँ सर ये साउथ अमेरिका में है। आप लॉजिक समझिए कि जब मेंस में आप क्वेश्चन दे रहे होते हैं कि भैया हाँ कहाँ देना, तो वो आपको ब्लैंक मैप पे देना है, उसका मतलब इनकी जो स्टडी होनी चाहिए आपकी ब्लैंक मैप पे ज़्यादा होनी चाहिए। तो पराना परागवे बेसिन्स आपको बताना कहाँ है, सर उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में मुझे एक रिवर निकालनी पड़ेगी ब्राज़ील के पॉइंट से, कैसीरस से, तो वहाँ से सर एक पराग रिवर निकलेगी, और उसके साथ जो है एक दूसरी नदी आकर के मर्ज होगी, पराना रिवर, जो कि अर्जेंटीना में हो रही है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही पराना प्राग परागवे वाटरवे है, और अल्टीमेटली ये रियो डेला प्लाता के अंदर जो है ये क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। यहीं पर हमने पढ़ा था कि एक नदी है उरुग्वे नदी, और वो उरुग्वे नदी यहाँ पर आकर के मर्ज भी होती है, तो
खैर वो चीज़ हमने यहाँ पर उरुग्वे पूछ ही नहीं रखा है, उसने पराना और पराग्वे बेसिन पूछ रखा है। कहाँ जाना है? साउथ अमेरिका में। पकड़ना किसको है? ब्राज़ील को और अर्जेंटीना को, यहाँ से। और इन दोनों रीजन से आपको नदी निकलती हुई दिखेगी, पराना पराग्वे, बस रियो द ला प्लाता में ले जाकर के उसे मर्ज कर दो। नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है किन्नारी आइलैंड। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने ख़त्म किया है यूरोप का सेक्शन। यूरोप के सेक्शन में हमें जाना था एबेरियन पेनिनसुला में। एबेरियन पेनिनसुला के अंदर दो कंट्री दिख रही हैं, एक पुर्तगाल है, एक स्पेन है, तो इसे मैं एबेरियन कंट्री भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर मुझे तीन तरह के आइलैंड के ग्रुप दिखते थे, है ना? नीचे की तरफ एक आइलैंड ग्रुप है, ऊपर की तरफ दो आइलैंड ग्रुप है। एक का नाम है एजोर्स, ठीक है, दूसरे का नाम है मदीरा। तो एजोर्स और मदीरा जो है वो दोनों पुर्तगाल के हिस्से में है, जबकि कनारी जो आइलैंड है वो आपको है स्पेन के हिस्से में। एक कनारी करंट भी है, मतलब उस कनारी करंट का नाम कैसे पड़ा वो अब आप वो भी आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि वो कनारी आइलैंड के पास से होकर के जा रही है, इसलिए उसका नाम है कनारी करंट। तो यहाँ पर कनारी आइलैंड का पूरा ग्रुप है। तो यहाँ पर एक है सर एजोर्स, यहाँ पर है मदीरा, ये दोनों के दोनों हिस्से हैं पुर्तगाल के, और एक आपका कनारी विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर इसको मैप पे देखना है कि कौन कौन से हैं, तो हालांकि इन सब की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे याद आ रहा है कहीं एक क्वेश्चन आया हुआ था कि टेनरिफ, जो टेनरिफ है मेंस में ही था, बट नॉट इन प्रीलिम, प्रीलिम वाले सेक्शन में ये नहीं मिलेंगे आपको, मेंस में ही आया हुआ था टेनरिफ जो है वो किसका हिस्सा है। तो कैनारी में जितने भी आइलैंड हैं उनमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो टेनरिफ ही है। जैसे भाई जज्बाती हो जाए एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछे कि हाँ भाई कैनारी आइलैंड इज द पार्ट ऑफ द स्पेन, अ सेकेंड इन द कैनारी आइलैंड टेनरिफ आइलैंड इज द लार्जेस्ट वन, या फिर इसको ट्विस्ट कर दे, मतलब उसको उल्टा कर दे, टेनरिफ आइलैंड इज दी बेसिकली लार्ज स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ दी कैनारी आइलैंड। तो सर उस हिसाब से भी अगर बोल बच्चनगिरी कर लेना एग्जामिनर ने, तो वहाँ पर भी वो गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए, चलते फिरते कर ही रहे हैं। हाँ सर, टेनरिफ है यहाँ पे, दैट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द कैनारी आइलैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेन। दैट्स इट, खत्म करते हैं। देखो बड़ा एक क्वेश्चन तो है, बड़ा सिंपल सा, कि 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड बताओ मुझे कहाँ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है कि मैप जो हमें मिली है वो ब्लैंक मिली है। ब्लैंक मैप पे मुझे फाइंड आउट करना है कि 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहाँ मिलेगा। एक बात तो क्लियर है, जो मेरी ग्रीनविच मीन टाइम है उसमें मैं इंग्लैंड को पकड़ूंगा और इंग्लैंड से एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन जो है मैं खींच दूंगा। अब क्या होगा, जो भी आपको मैप है आपने क्या करना है, ऑब्वियसली अगर ये प्री में भी आती है, प्री के अंदर भी आपको आ जाती है कि भाई इसमें से आपका है ना ये कौन सा सेक्शंस बताना है। तो ऐसे में ये करना है हमें कि अगर पूरा का पूरा एक ब्लैंक मैप है, उस ब्लैंक मैप के ऊपर है ना आपको क्या करना है, 180 डिग्री हमें पता है कि दो लॉन्गिट्यूड होते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर से भी जाना है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर से भी जाना है, तो 180 डिग्री पर मिलना है। उसके बीच में आप देखो कितना गैप है, एक इक्वलेंट गैप लेकर के 1 2 3 4 5, पांच इक्वलेंट गैप लो, पांच इक्वलेंट गैप लो ईस्ट में कर दो, और उसके बाद उसको 30 डिग्री में बांटो। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर ने, मान के चलो वो 90 ना पूछ करके 85 पूछ रहा है, तो कुछ 85 यहाँ मिल जाएगा सर, 95 पूछा तो 95 यहाँ मिल जाएगा, तो समझो 30 30 का गैप लेकर के चला है। तो लगभग लगभग आसपास आप लोग ऐसा कर दोगे, दैट इज द थिंग, है ना, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, दैट इज द सिंपल थिंग, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। एटलस माउंटेन की बात करते हैं। सर बहुत सिंपल है, मुझे जाना है अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में जाना है, मोरक्को वाले सेक्शन में मुझे एक आर्क शेप बना देना है, दैट इज सर एटलस माउंटेन। काम खत्म, काम खत्म नहीं हुआ दोस्त। अब क्या होता है कि यहाँ पर टोटल आपके सामने 24 माउंटेन का एक सिक्वेंस है, मतलब हमने ये पता है कि ये वाला जो माउंटेन है सर ये जो है ये एटलस है, ठीक है, तो एटलस है तो यानी ये 7th नंबर का माउंटेन हुआ। अगर वहीं पे मैं ये पूछ लूँ कि बच्चे ये बताओ यहाँ पर जो आपको माउंटेन दिख रहा है इस माउंटेन का नाम बताओगे, इस माउंटेन का यहाँ पे जो माउंटेन दिख रहा है इसका नाम बताना आपको। दो चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहले तो ये रिवीजन होगी क्योंकि प्री में भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये है कि इसकी लोकेशन देख लो कि कहाँ है। जो एक नंबर दिख रहा है उसका नाम बताओ, जो सॉरी छोड़ो इसको, एक नंबर से तो आपको आइडिया लग ही जाएगा सर, ये सियरा मात्रे, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ, आपको बताना है कि अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसमें ये जो ए सेक्शन है ये बता दो क्या है, इसमें सर ये जो बी सेक्शन है ये बता दो क्या है, इसमें ये जो सी सेक्शन है सर ये बता दो क्या है,
इसमें सर ये जो डी सेक्शन है ये बता दो क्या है। ओके, इसके बाद चलो ए बी सी डी के जो पॉइंट हैं वहीं बैठे बैठे आप लगाओ कि ये आइडिया कि ये कौन कौन से हिस्से होने चाहिए। ए बी सी डी चार पॉइंट दे रखे हैं मैंने वर्ल्ड मैप पे, बताना है कि ये कौन से सेक्शन है, इनका नाम क्या है ए बी सी डी का, और यहां पर आपको टोटल 24 पॉइंट दे रखे हैं। आइडिया आ गया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसको। वेरी गुड इवनिंग सविनायन यांसी। देखो ये जो ए नंबर है ना, 22 नंबर पे कौन सा नाम लिखा गया है, रेवेंजोरी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ साथ कौन सी कंट्री है सर, ये युगांडा है। तो इनके बॉर्डर पे आपको जो माउंटेन मिलेगा उसे हम लोग रेवेंजोरी माउंटेन के नाम से जानते हैं। बी वाले पॉइंट पे आ जाओ, बी वाले पॉइंट पे जो पॉइंट दिख रहा है यानी ये 22वां पॉइंट है, 22वां नंबर का, तो 22वां नंबर पे आपको रेवेंजोरी मिल रहा है। इसी के साथ देखो यहाँ पर मैकडोनल्ड रेंज, तो ये जो बी पॉइंट है ये मैकडोनल्ड रेंज है। ये जो सी पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कहाँ है, 15 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद जो डी पॉइंट आपको दिख रहा है इसे कहते हैं हम टॉरस माउंटेन, कहाँ है, टर्की में, 24वें नंबर पे। तो इस तरीके से टोटल यहाँ जो माउंटेन की जो सीरीज दिख रही है टोटल 24 नाम दिख रहे हैं। आप इसको थोड़ी देर बाद चाहे रिवीजन कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं जो आपको पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा उसमें भी एक बार स्टडी जो इसमें भी एक बार जो है इसको एनकाउंटर कर लेना, देख लेना, बात खत्म। ठीक है चलो बढ़े आगे सर। फिर एक आइलैंड पूछा गया था सखालिन आइलैंड, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को दिक्कत है जो मेरे आगाज सेशन को ज्वाइन करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमने कल किया है, कल तो आई थिंक फ्राइडे था है ना, तो फ्राइडे को ही हमने कल ही ये सेशन किया है सखालिन आइलैंड वाला, तो कल था क्या, नहीं नहीं कल नहीं था है ना, अच्छा आज तो संडे ही है, माफ़ी भी चाहूँगा। तो ये हमने फ्राइडे को सेशन किया था यानी डे बिफोर, और उसमें एशिया वाले पॉइंट पे जब हम बात कर रहे थे तो रशिया में मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड जब 1905 की बात हुई है तो रशिया को डिफीट करके जापान ने ले लिया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर जापान से सोवियत यूनियन ने वापस ले लिया था। तो ये जो है आपका हिस्सा ये सखालिन आइलैंड है, और यहाँ पे जो आइलैंड का ग्रुप है उसे हम लोग क्यूराइल आइलैंड का ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर सर एक पोर्ट है व्लादिवोस्तोक, विच इज़ द फेमस वन इन रशिया, कुछ महीने ये जमा रहता है। तो सखालिन आइलैंड की लोकेशन पूछी गई है। रशिया का मैप देखो, रशिया के मैप में जब जाओगे तो उसका एक हाथ टूटा मिलेगा, मतलब बाजू जो दिखेगी उसका एक हाथ टूटा मिलेगा, ये जो गैप मिलेगा ना ये वाला। अगर मैं प्रीवियसली मैप पे जाऊँ, यहाँ देखो ये वाला जो हिस्सा जो टूटा हुआ दिख रहा है, जो जिसका हिस्सा खुला हुआ है उसी के साथ देखो एक अवैध संबंध बनाता हुआ हिस्सा दिखेगा, बस यही आपका सखालिन आइलैंड, काम खत्म। सर व्लादिवोस्तोक फायदा क्यों नहीं दे रहा रशिया को? डियर जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना ये जापान सी है, और जापान सी है तो इसका मतलब है कि इस पर कंट्रोल जो है जापान का ज़्यादा है, इसलिए रशिया बेचारा बेबस है इस जगह पे, है ना। वो इंटरनेशनल रिलेशन या डिप्लोमेसी भी जब पढ़ते हैं तो पता चलता है। सर एक क्वेश्चन पूछा गया नियाग्रा फॉल्स, ओहो सर मुझे हमें आता है, ये तो बहुत सिंपल है। नियाग्रा फॉल्स हमें कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया और यूएस सॉरी यूएसए और कनाडा के बिल्कुल बॉर्डर पे। वहाँ पे सर तीन बिग वाटर फॉल्स हैं और तीनों के नाम अलग अलग हैं। एक का नाम है सर ब्राइडल विल फॉल्स, एक का नाम है अमेरिकन फॉल्स, और एक का नाम है हॉर्सशू फॉल्स, है ना। यहाँ पर आपको तीन फॉल्स देखेंगे, दिस इज द अमेरिकन फॉल्स, दिस इज ब्राइडल विल फॉल्स एंड दिस इज द हॉर्सशू फॉल्स, यानी हॉर्स के शू शेप में है ना। ये रिविजन क्लास में मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ स्टूडेंट के लिए रिविजन सेशन होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है और इसके बारे में हम लोगों ने मैपिंग में भी की हुई है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी किया हुआ है, और मेन्स वाले टॉपिक में देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस समझिए कि कहाँ कहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये बता सकते हो क्या कि जो हॉर्सशू फॉल्स है और ये जो ब्राइडल विल फॉल्स है इसके बीच में ये जो आइलैंड ग्रुप आप जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर हॉर्स ये गोट आइलैंड, इसका नाम है गोट आइलैंड, ये ध्यान रख लेना, बस इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। तो ये कुछ मनोरम दृश्य है
इस वाटरफॉल्स का, जहाँ पर ये वाटरफॉल्स आपको दिखेगा। बहुत फेमस जगह है, बहुत ही फेमस जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे छोटी छोटी मतलब कई सारी मुंडियाँ दिखती होंगी, है ना, देखो जहाँ देखोगे वहीं लोग दिखेंगे। इवन यहाँ पर भी जिस जो आइलैंड है वहाँ पर भी कुछ अमीर लोग जा करके इस पूरा का पूरे दृश्य का मनोरम दृश्य का मजा ले रहे होते हैं। ठीक है, तो यह है सारा नियाग्रा वाटरफॉल्स। फिर क्वेश्चन किया गया डियर जी गल्फ ऑफ बोथनिया, है ना, दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देता हूँ। क्वेश्चन किया गया गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ है? सर बड़ा सिंपल है, हमने यूरोप वाले सेक्शन में पढ़ा हुआ है। मुझे जाना है कहाँ पे? स्वीडन वाले पॉइंट पे और फिनलैंड वाले पॉइंट पे। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में सर जो ये वाटर बॉडी दिख रही है ना, इसी को मैं कहता हूँ गल्फ ऑफ बोथनिया। दिस पॉइंट इज बेटर नोन एज द गल्फ ऑफ बोथनिया। सर इसके नीचे कौन सा सी दिखेगा आपको? गल्फ ऑफ बोथनिया जो दिख गया है, इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है बता सकते हो कौन सा सी है? सर ये बाल्टिक स्टेट है। तो डियर जी ऊपर की तरफ तो आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ बोथनिया, नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा बाल्टिक स्टेट, बीच में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम बताओ। बीच में एक आइलैंड है जो गल्फ ऑफ बोथनिया और बाल्टिक स्टेट्स के बिल्कुल बीच में पड़ेगा, तो उसका नाम बता सकते हो क्या है? सर उसका नाम है एलांड आइलैंड, एलांड आइलैंड। और ये ध्यान रख लेना क्योंकि आगे जो हम सेशंस करेंगे ना, जो सैटरडे और संडे आने वाले हैं, उस सेशन में आपको ये पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन आया हुआ है अलांड आइलैंड को लेकर के, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं डियर जी। पढ़ते हैं आगे इसको, वहाँ पे ब्लैंक मैप पे देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर की टेंडेंसी ब्लैंक मैप पे ही है, बट यहाँ पे मैप देख लो, स्वीडन है, फिनलैंड है, बीच में जो रीजन है गल्फ है, दैट इज दी बोथनिया, नीचे की तरफ आओगे बाल्टिक सी, बीच में आइलैंड दिखेगा अलांड आइलैंड। तो दोनों ही रीजन को जो सेपरेट करता है वो अलांड आइलैंड कहता है, या दोनों ही रीजन के बीच में जो पॉइंट है दैट इज दी अलांड आइलैंड। सर आता है हमें, बिल्कुल आता होगा दोस्त, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको आता है उसकी रिवीजन सेशन है। क्वेश्चन पूछा गया बास स्टेट को लेकर के, बास स्टेट बताओ कहाँ है? बड़ा सिंपल है सर, बास स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया ये रहा, नीचे की तरफ जो हिस्सा दिख रहा है वो तस्मानिया है। तो ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में ये जो वाटर बॉडी दिख रही है, इसी को मैं कहता हूँ बास स्टेट। खत्म, आगे बढ़े। सर रीजन क्वेश्चन पूछा गया पंपास का, कि मुझे पंपास सेशन कहाँ मिलने वाले? सर जो पंपास हैं ये हैं ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। अब अगर मैं नॉर्थ अमेरिका में जाता हूँ तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर मुझे जो मिलते हैं उसी को मैं कहता हूँ सर प्रेरीज। ये तो ऐसा है क्वेश्चन, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो चाहे यूपीएससी दे रहे हो, बीच बीच में जज्बाती हो जाते। तो सर एक होता है प्रेरीज, एक होता है पंपास, है ना, एक होता है स्टेपीज जो मुझे यहाँ मिलेंगे, सर एक होता है वेल्ड, सर एक होता है डाउन्स, एक होता है कैंटरबरी, ऐसे बहुत मिलेंगे। फिर सर स्टेपीज जो हंगरी में मैं देखूंगा उसका नाम है पुस्टाज, ठीक है। फिर यहाँ पे वेनेजुएला में जो दिखेगा वो लानोस है, और फिर ब्राज़ील में आओगे तो कैंपोस है। तो ऐसे बहुत सारे नाम दिखेंगे, सारे के सारे ग्रासलैंड हैं अलग अलग रीजन में, बीच बीच में बस ये तंग करते रहते हैं और कुछ भी नहीं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्कटिक सर्कल बताओ। देखो पढ़ा होता है ये, तो ये समझ लो कि जो सिक्स स्टैंडर्ड में आते हैं, सिक्स स्टैंडर्ड में आते ही जो सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं ज्योग्राफी में वो यही होता है, आर्कटिक अंटार्कटिका ये वो। सवाल ये है कि ये जो आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, ये क्यों है? लॉजिक तो हम यही पढ़ते हैं ना कि सर ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ के ठीक बीचों बीच एक लाइन जा रही है, इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इसके ऊपरी हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसके नीचे का जो हिस्सा है उसे हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। सर अब फोकस करो यहाँ पर, वर्ड क्या आता है? इसे मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर कहता हूँ, हेमिस्फीयर, और इसका नीचे का हिस्सा जो है ऑब्वियसली ये है सदर्न हेमिस्फीयर। फोकस करो इस वर्ड पे, स्पेयर पे। ये स्पेयर वर्ड क्या होता है सर? ये जो गोलाई जा रही है ना, ये गोलाई जो गोल शेप दिख रहा है सर, इसी को मैं कहता हूँ स्पेयर। बिल्कुल सही। इसको काट दूँ तो, चाहे मैं ऐसे काट दूँ तो दो हिस्से बट गए, या फिर मैं ऐसे काट दूँ दो हिस्से बट गए। अगर 0 डिग्री लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग काटा तो ये नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग काटा तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो जब भी आप स्पेयर पढ़ते हो, जैसे एटमोसफेयर, एक वर्ड आता है ना एटमोसफेयर,
फिर लिथोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर। तो इसमें सम में वर्ड क्या यूज हो रहा है? स्फेयर। तो एक बात बताओ, ये हमारा अर्थ है, अर्थ की शेप कैसी है? सर एग्जैक्टली गोल तो नहीं है, लेकिन स्फेरिकल शेप में आपको मिलेगी। और अगर उसके रेस्पेक्ट में मुझे जो चीज मिलेगी वो भी तो स्फेयर ही मिलेगी। जैसे इसके ऊपर की तरफ बढ़ो, सबसे पहले आपको एटमोस्फेरिक लेयर कौन सी मिलेगी? ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें ट्रोपो तो ठीक है, बट स्फेयर क्यों वर्ड यूज किया गया है? क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो भी चीज होगी वो सारी गोल होगी कि नहीं होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी। ये देखो, ये ट्रोपोस्फेयर यहीं थोड़ी मिलेगा कि भाई बिल्कुल अंटार्कटिका के ऊपर ही मिलेगा या आर्कटिका के ऊपर ही मिलेगा। ये तो सर पूरे के पूरे गोलाई में मिलेगा ना, पूरे अर्थ के। ये ऐसे तो इसीलिए इसे हम स्पेयर वर्ड यूज कहते हैं। भावनात्मक जुगाड़ ये है। आगे बढ़ो, नॉर्थ स्पेयर है, साउथ स्पेयर। अब इसके बाद नदन हेमिस्फेयर में मुझे सर एक एक डिग्री को फॉलो करते हुए जाना है। कहाँ तक? 90 तक। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और पहुंचना कहाँ है? 90 डिग्री नॉर्थ तक। सेम वे में जब मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, साउथ डिग्री करता हुआ चलूंगा तो मैं पहुंचूंगा कहाँ तक? 90 डिग्री साउथ तक। ठीक है, नदन हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में एक एक डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन अगर यहाँ फोकस करोगे आप, तो इक्वेटर के बाद आपको जो लाइन दिख रही है वो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर दिख रहा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो एक एक डिग्री के डिफरेंस पे तो ये हाफ वाला पॉइंट तो आएगा नहीं भाई। यहाँ अगर 0 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री का डिफरेंस सर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे एक एक डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। बट यहाँ तो मैंने 23.5 डिग्री किया है, 66.5 डिग्री किया है। तो इसका क्या लॉजिक है? मतलब ये हाफ पॉइंट क्यों आ रहे हैं और ये पॉइंट ही क्यों यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे? सर ये आर्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकर्न है, और ये अंटार्कटिका सर्कल है। इनकी लोकेशन, इनका डिग्री देखोगे लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग तो वो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा आपको, वो हाफ में मिल रहा है। 66 के बाद 67 आना चाहिए, बट 66 के बाद हाफ पॉइंट और जुड़ता है, 66.5। तो उसका नाम दे दिया गया आर्कटिक सर्कल। तो डियर जी, लॉजिक पता है आपको क्या होता है? इसके लॉजिक को समझो सर। ये जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा का पूरा हमारा इक्वेटर है। और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे मतलब जो भी टेम्परेचर होगा, क्योंकि तो सूर्य देवता जो है ना, सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट यहीं डालते हैं। यहां तक तो सर पूरा साल जो रहेगा गर्मी रहेगी। मतलब आप चाहे जनवरी में चले जाओ, चाहे मार्च में चले जाओ, चाहे नवंबर में चले जाओ, चाहे दिसंबर में चले जाओ, महीना कोई भी हो, ये इलाका गर्म रहने वाला है। लेकिन जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जब आप क्रॉस करोगे, थोड़ा नीचे दिखा रखा है ये, वो ये क्या कर रहे हैं आप? अलग अलग से पॉइंट बना रखे हैं, भावनाएं इस मैप में थोड़ी इधर उधर आना, जज्बात खेल खेल रखे हैं, लेकिन हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही मान के चलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा पॉइंट क्या अपना? सर गर्म रहने वाला सारा साल। इसमें ना तो कभी सर्दी आएगी ना गर्मी, सर्दी नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ पे आप किसी भी मौसम में चले जाओ, एक यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करते हो इस रीजन को, सर उसके बाद ड्रास्टिकली टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ड्रास्टिकली टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे ही आएंगे। ड्रास्टिकली मतलब कैसे समझो, इंडिया इंडिया का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया इज द बेस्ट थिंग इस चीज़ को समझने के लिए, इंडिया से बेटर यहाँ पे कोई सिखा सकता ही नहीं हमें। सबसे पहले मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। प्यारा भारत, ग्रेट भारत। चलो ये थोड़ा सा आगे चलो। अब इंडिया में मुझे बीच में एक लाइन दिखेगी जिसे मैं कहता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से जा रही है? हाँ सर जा रही है। ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन इंडिया के बीच से जा रही है। डियर जी, इसके नीचे वाले लाइन में मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो लाइट रहती है ना, यूनिफॉर्म रहती है सनरेज, यहाँ पर आपको सारा साल गर्मी रहेगी। लेकिन आप जैसे इस लाइन को क्रॉस करोगे ऊपर की तरफ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते ही आपके सेशन में ड्रास्टिकली चेंजेस आएंगे। कैसे?
अब एक बात बताओ, नवंबर दिसंबर जनवरी में अगर आप इस रीजन में आओगे तो ये सारा का सारा रीजन रहेगा आपका ठंडा, कोल्ड में, बोलो हाँ या ना। और सेम नवंबर दिसंबर में इससे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाले जो पॉइंट है सर, ये सारा रीजन रहेगा गर्म यानी हॉट में, ये हॉट है ये कोल्ड है। तो आप बताइए कि कहाँ किस लाइन पे वो जो ट्रांजिशन पॉइंट है, वो बिंदु जहां बदलाव आना शुरू हो गया सर, ये इस पॉइंट पे बदलाव आना शुरू हो गया जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। सेम मैनर में डियर जी ऊपर की तरफ चलोगे तो 66.5 डिग्री है, वहां टेम्परेचर चेंजेस होगा ड्रास्टिकली सर। सेम मैनर में नीचे की तरफ आएंगे टेम्परेचर चेंज होगा, सेम मैनर में नीचे की तरफ आएंगे टेम्परेचर चेंज होगा। तो इसी वजह से इनके नाम पड़े हैं आर्कटिक, ट्रॉपिक, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, अंटार्कटिका। इनका जो मेन रेलेवेंट पॉइंट है ये इमेजिनरी लाइन, लेकिन मेन मकसद क्या है इनका कि इस लाइन के नीचे और ऊपर आपको टेम्परेचर के चेंजेस ज़्यादा दिखेंगे, टेम्परेचर के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे, और यही वजह है कि इन सर्कल का नाम पड़ा है। चलो अब आपने भावनाएं समझ में आ गई होगी कि सर क्यों ये 23.5 है, क्यों 66.5। क्वेश्चन किया गया कॉर्क कि भाई कॉर्क बता दो कहाँ है, मुझे तो सिर्फ उसकी लोकेशन बता दो। हमने पढ़ा आयरलैंड, आयरलैंड में की राजधानी डबलिन, उसी में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक कॉर्क, कॉर्क आपको एक पोर्ट सिटी मिलेगी विच इज़ द पार्ट ऑफ आयरलैंड। कहानी यहीं तक खत्म, चलो आगे बढ़ो। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, पोर्ट सिटी थी और जिस साल ये क्वेश्चन किया गया था उस साल ये न्यूज़ में रहा होगा, तो एग्जामिनर जज्बाती हो गया और क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ भाई कॉर्क कहाँ है ना, पोर्ट सिटी है, फेमस है, काम खत्म। बाकी और भी चीज़ें कास्टल वास्टल के लिए भी फेमस है यूरोप, तो उस बोल बच्चन गिरी पे अपने को चलना नहीं है। अच्छा जब हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी हुआ था तो सबसे पहले हमने जो उठाया था वो साउथ अमेरिका ही उठाया था। जब साउथ अमेरिका में हम चल रहे थे तो क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज सेल्वास, सेल्वास क्या है। सेल्वास जो है यह आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जो रेन फॉरेस्ट मिल रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन में, ब्राजील के अंदर इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो रेन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ऐसे रेन फॉरेस्ट को हम लोग सेल्वास के नाम से जानते हैं। क्लियर, वो रेन फॉरेस्ट जो मुझे इक्वेटर के आसपास मिलेंगे साउथ अमेरिका में ब्राजील कंट्री के आसपास, तो उस रीजन को हम लोग सेल्वास के नाम से जानते हैं। बात होगी खत्म, क्लियर यहाँ तक डियर जी। हाँ सर, अमेजन फिर रेन फॉरेस्ट यानी इक्वेटर के आसपास जो मिलेंगे दैट इज सेल्वास, काम खत्म। उसके बाद एक क्वेश्चन किया गया टैगोरस माउंटेन, टैगोरस को आप लोग जैगरोस भी पढ़िए, और जैगरोस माउंटेन पढ़े बोले तो सीधे जाना है ईरान की तरफ। ईरान के दो हिस्से हैं, ईरान के जो ऊपर की तरफ माउंटेन का हिस्सा है वो है एल्ब्रुस, उसका नीचे का जो हिस्सा है वो है जैगरोस माउंटेन का। ऊपर की तरफ कैस्पियन सागर से लगता हुआ आपको जो माउंटेन दिखेगा उसको हम एल्ब्रुस बोलते हैं, एक एल्ब्रस है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। और ईरान में जो नीचे की तरफ आप आओगे तो वहां पर आपको जैगरोस माउंटेन दिखेंगे, तो जैगरोस माउंटेन हो गया, एल्ब्रुस माउंटेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सर दो डिजर्ट भी हैं ईरान के अंदर, मैं देखूँ तो एक दस्ते कबीर है एक दस्ते लूत है, तो यहाँ पर आपको देख रहा है दस्ते लूत कबीर, दस्ते लूत डिजर्ट एंड दस्ते कबीर डिजर्ट, यहाँ सिर्फ कबीर और लूत लिखा गया है, तो दस्त ए कबीर एंड दस्त ए लूत ये डिजर्ट हैं ईरान के। आप देखिए दो इन हिस्से में तो माउंटेन ही है, बीच में आपका डिजर्ट ही है, तो बेसिकली ईरान भी काफ़ी हद तक फंसा हुआ है आगे पीछे से। चलो टैगोरस कह लो या जैगरोस कह लो, बात एक ही है। ग्रीनविच मीन टाइम सर हमें पता है, इस बोल बच्चन गिरी पे चलना नहीं है ना। ग्रीनविच में एक जहाज़ है जिसका नाम है, अगर यहाँ देखोगे ना एक फेमस जहाज़ है जिसका नाम डियर जी रखा गया है कुटी सार्क, कुटी सार्क। ये कुटी सार्क की इम्पोर्टेंस है इस जहाज की, और 19th सेंचुरी का शिप है इंग्लैंड का, और इस रीजन में जहाँ पर ये ग्रीनविच है इस पॉइंट पे कुटी सार्क को ना एज ए म्यूजियम में यूज़ किया गया। आप देखो ये क्लिपर जहाज है जो पर्दे वगैरह डांगे करते थे, कुटी सार्क। पढ़ो आगे, मेन चीज़ जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर वो ये पूछ रहा है कि कितनी कंट्री से पास होके जा रहा है आपका ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन टाइम कितनी कंट्री से पास होके जा रहा है। तो सबसे पहले सर यूनाइटेड किंगडम से, उससे नीचे की तरफ चलेंगे तो फ्रांस से, उससे नीचे की तरफ चलेंगे तो स्पेन से। जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रखी है वो देखे फटाफट है ना इसको मैपिंग में लेके आते चलो सर। जैसे साउथ अफ्रीका में घुसेंगे तो सबसे पहली कंट्री जो आएगी वो अल्जीरिया आएगी, अल्जीरिया के नीचे की तरफ जैसे आप घुसोगे सर माली आएगी, माली के नीचे बर्किना फासो आएगी,
बर्किना फासो के नीचे घाना और टोगो, ये दोनों के दोनों रीजन आएंगे, और इसके बाद सबसे नीचे की तरफ पहुंचोगे तो आप पहुंच जाओगे अंटार्कटिका में। ठीक है, तो अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं, बट अगर वो रीजन पूछा कि किस किस रीजन से, किन किन क्षेत्रों से होकर गुजर रही है, तो इन क्षेत्रों से आप नाम ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर कंट्री कौन सी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, है ना? नौ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आपका ये ग्रीनविच मीन टाइम पास होकर के जाता है। ये थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, देख लेना इसको, एक बार रिवीजन कर लेना, बात हो जाती खत्म। सर क्वेश्चन पूछा गया है हवाई आइलैंड से लेकर के। अब हवाई आइलैंड याद करो, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हुआ था। तो कुछ लोगों को लगता है कि पर्ल हार्बर मतलब कहाँ अटैक हुआ था, अमेरिका की तरफ। तो कुछ लोगों को लगता है कि सर अमेरिका में कहीं मतलब कोई क्षेत्र रहा होगा, वहां पे अटैक हुआ होगा। नहीं, अमेरिका का जो मेनलैंड है, जिसे हम मेन अमेरिका जानते हैं, यानी यूएसए, अमेरिका तो ये पूरा का पूरा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पूरा अमेरिका है। बट जब हम अमेरिका पर्टिकुलर बात कहते हैं, तो सर हम बात कर रहे होते हैं यूएसए की, और इस यूएसए ने एक हिस्से को अपना हिस्सा बना रखा है, एक एक आइलैंड को अपना कब्जा, अपने कब्जे में ले रखा है, और उस आइलैंड का नाम है हवाई आइलैंड। अगर आप देखोगे पैसिफिक ओशन के अंदर, आपको यह हवाई आइलैंड का ग्रुप मिलेगा, हवाई आइलैंड यही है। इसी हवाई आइलैंड पे पर्ल हार्बर है, जिस पर अटैक किया था जापानीज ने 41 के अंदर, और उसके बाद ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आई थी। उससे पहले डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की थी ही नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसमें जब भी पूछा पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों का अमेरिका के ऊपर अटैक, तो मेनलैंड के ऊपर अटैक नहीं था, यूएसए का जो मेन हिस्सा था उस पर अटैक नहीं था दोस्त। हवाई आइलैंड में पर्ल हार्बर है, जहां पर यूएसए का बेस बना हुआ था, नेवी का, एयरफोर्स का, तो उस बेस के ऊपर हमला किया था जापानीज ने। क्योंकि मेन तो मुद्दा यही है कि तुम्हारे जहाज डिस्ट्रॉय करने, मेन मुद्दा तो ये है ना कि तुम्हारा नेवी डिस्ट्रॉय करना, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे हम वैसे ही जीत जाएंगे। तो यहाँ जो पर्ल हार्बर था ना, वो इस पॉइंट पे था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, जो पहली बार एनकाउंटर कर रहे हैं उनकी बात कह रहा हूँ। हवाई आइलैंड पे चलोगे तो हवाई आइलैंड यहाँ पर कुछ नाम दिखेंगे, विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, फिर भी एक बेसिक्स आइडिया है उसमें। बकायदा हवाई आइलैंड का नाम जो पड़ा है, वहाँ पर एक मेन आइलैंड है जिसका नाम है हवाई, और ये जो हवाई आइलैंड है, इस हवाई आइलैंड को देखोगे तो ये किसके हिस्से में आते हैं? ये रिंग ऑफ फायर में आते हैं, रिंग्स ऑफ फायर का जो हिस्सा है, यानी जहाँ पर आपको वोल्केनो या वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा दिखेगी, उस रिंग्स ऑफ फायर में ये हवाई आइलैंड भी आता है। यहीं पे आप लोगों को एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है हवाई, माउंटेन हवाई, है ना, माउंटेन हवाई, याद कीजिए। यहीं पे आपको एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है माउंट पिली, और माउंटेन पिली वो माउंटेन है जिसमें विस्फोट दुनिया में सबसे ज़्यादा हुआ था, मतलब जिसकी जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि हवाई आइलैंड में वो विस्फोट हुआ था, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ तक आवाज़ पहुँच गई थी, इतना खूंखार विस्फोट हुआ था। ये लगभग वही 1870-80 के दौर में है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है। उस टाइम पे हवाई आइलैंड पे माउंट पिली एक आइलैंड है, और सॉरी माउंट पिली एक वोल्केनिक रीजन है, वोल्केनिक माउंटेन है, उसमें जब फटा, जब वो वोल्केनिक माउंटेन फटा था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई थी। तो ये थोड़ा सा समझना है, और जब स्टडी हुई कि भाई इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया, तो स्टडी हुई तो पता चला इसमें सिलिका के कंटेंट ज़्यादा है, और उसी के बाद आप जब एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि जो वोल्केनो होते हैं उनको हम लोगों ने एक्चुअली दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक वो वोल्केनो जो एसिडिक होते हैं, एक वो वोल्केनो जो बेसिक होते हैं। एसिडिक वोल्केनो वो होते हैं जिसके अंदर सिलिका मैक्सिमम मिलेगी या हद से ज़्यादा मिलेगी, बेसिक वोल्केनो वो होते हैं जिसमें सिलिका मिलेगी नहीं या ना के बराबर है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर, आपका एसिडिक और बेसिक में। अगर ये ज्वालामुखी एसिडिक है, मतलब सिलिका है, तो मतलब वो ज्वालामुखी का जो लावा है वो काफ़ी गाढ़ा होगा, गाढ़ा लावा है तो इसका मतलब ऊपर आने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा उतना ही ज़्यादा आपका जो इरप्शन है वो बहुत ही तेज होगा, और जितनी ज़्यादा इरप्शन होगी वो साउंड वेव उतनी ही दूर हो सकती है ट्रैवल करे। तो इसी माउंट पीली में विस्फोट होने के बाद ही इसके ऊपर स्टडी हुआ था, फिर सिलिका को फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन है वांगो। एक है यूफ्रेट्स टाइग्रिस, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस,
इंडिया का इंडस तो हमें पता ही है, इंडस वैली में ये जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ वो हमें पता है, उस पर बात नहीं करेंगे। फिर सर नाइल नदी, इसमें एक तो है वांगो रिवर जिसे आप लोग येलो रिवर कहते हैं। तो जो चीन की सभ्यता जहाँ सबसे पहले पनपी, जिस जगह पे जिसे आप चाइनीज सिविलाइजेशन कहते हैं ना, चाइनीज सिविलाइजेशन जिस नदी के किनारे फली फूली बेहतरीन हुई वो यही है वांगो। पीली नदी क्यों कहते हैं सर? क्योंकि इसके अंदर अंदर ये जो नदी है ये इरोजन ज़्यादा करती है, आसपास के रीजन का इरोजन ज़्यादा करती है। इरोजन ज़्यादा हुआ, अपरदन जिसे कहते हैं यानी टूट फूट, तो जितनी ज़्यादा टूट फूट हुई उतना ज़्यादा नदी के अंदर कचरा आया। कचरा मतलब सेडिमेंट ज़्यादा है, जितना ज़्यादा सेडिमेंट्स आया उसकी जो अपीयरेंस है आपको येलो जैसी दिखेगी, इसलिए येलो रिवर कह देते हैं, नहीं तो नाम जो है वो है हुआंग हो। और हुआंग हो अल्टीमेटली अपना जो पानी डालती है वो येलो सी के ऊपर वाला जो रीजन है, इस रीजन में यहाँ पानी डालती है, मतलब वो येलो सी में नहीं डालती, यहाँ पर एक गल्फ है इसमें पानी डालती है, ये थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। उसके बाद यूफ्रेस टाइग्रिस है, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ओके तो वी आर बैक नाउ। आई थिंक सम बलरिंग हो रही है पिक्चर की, बस दैट्स आई एम करेक्टिंग इट, वो हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं मबाना सेशन। चलो तो लास्ट जहां हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हुआंगहो रिवर के बारे में बात कर रहे थे, सिविलाइजेशंस ऑफ चाइना। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें ध्यान रखना है कि जो हुआंगहो रिवर है जब उसका जो माउथ की बात करोगे वो येलो सी में नहीं होता, हालांकि हम बात कर रहे हैं येलो रिवर की, चाइना की फेमस रिवर है,
येलो रिवर है, अपीयरेंस येलो क्यों है वो भी हमने बात कर ली, लेकिन ये जिस जगह जाती है ये एक आपका गल्फ है या बे कह लो, बेसिकली ये हमें बोहाई गल्फ ही कहना पड़ेगा, और इस गल्फ का नाम है बोहाई, बोहाई गल्फ। तो इस गल्फ के अंदर जाकर के जो है ये इस अहवांगो रिवर का माउथ बनता है, इतना हमें एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है? मतलब यही एक आइडिया होना चाहिए, येलो सी येलो रिवर, बस इसमें कंफ्यूज मत होना, येलो सी के अंदर येलो रिवर अपना माउथ कभी नहीं बनाती, ये बोहाई गल्फ के अंदर बनाती है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉगर बैंक को लेकर के। डॉगर बैंक, सर मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का डाउट है, वर्ल्ड में तीन बैंक ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीन बैंक, और इन तीनों बैंक को आप लोग पढ़ते कहाँ हो? सर मुझे सबसे पहले जाना चाहिए यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, यहाँ पे ये जो नोवा स्कोशिया रिविजन है, यहाँ पे मुझे दो बैंक मिलेंगे सर, एक बैंक मिलेगा ग्रांड बैंक और एक बैंक मिलेगा जॉर्जेस बैंक, दो बैंक हैं फेमस हैं। ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। कहाँ है? कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पे। सेम मैनर में मुझे जाना है इंग्लैंड के ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसे सर मैं नॉर्थ सी बोलता हूँ, इसी नॉर्थ सी के रीजन में मुझे एक पिचकू सा हिस्सा मिलेगा, इसी को कहते हैं हम लोग डॉगर बैंक। तो बैंक मतलब क्या होते हैं सर? बैंक मतलब फिशिंग सेक्टर जहाँ पर डेवलपमेंट होती है, ना कि वो वाले बैंक जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद वाली फीलिंग वाली, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, तो सर ये हो गया हमारा डॉगर बैंक, काम खत्म, भावनाएं खत्म इसकी, इससे ज़्यादा तो और क्या आने वाला, भावनाएं बस यहीं तक रखो, इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस हमें ये देखना है कि डेनमार्क ने भी हाल फिलहाल जो आसपास के रीजन है उन सारे रीजन के लिए जो विंड मिल है, मतलब जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पानी के अंदर एक बहुत बड़े चरखा जिसे पवन चक्की भी कह देते हैं, वो यहाँ एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, ताकि पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो सके, और जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के इशू है उसके ऊपर हम लोग बात कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है असवान डैम को लेकर के। असवान डैम बेटा बता दो कहाँ है? असवान डैम की लोकेशन आपको मिलेगी इजिप्ट के अंदर, ठीक है? ये एक डैम है, रिवर है, नाइल रिवर। प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी, अफ्रीका, अफ्रीका का वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन। अब जब ये पढ़ते हो तो इसके ऊपर बोल बच्चनगिरी बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब जो भी यूपीएससी को लेकर के थोड़े सीरियस स्टूडेंट होते हैं, थोड़े डिलीजेंट तरीके स्टूडेंट होते हैं, जो लगता है जिनको कि हाँ भाई यूपीएससी को हम क्रैक कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये जो नाइल नदी है, असवान डैम है, ये सर अवेयर होते हैं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि इनसे आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती हो। क्वेश्चन की संभावना कहाँ है? असवान जो डैम है उसके ठीक पीछे एक लेक है, उस लेक का नाम बता दे मेरे भाई। देखो ऐसे जज्बाती सवाल पूछ लिए जाएं। दूसरा, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि यहाँ पर एक अलेक्जेंड्रिया है सर, वो ये पोर्ट है जिस पोर्ट से मतलब जहाँ माउथ बनता है नाइल रिवर का, उसके पास एक पोर्ट है, दैट इज द अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इजिप्ट में। फिर नॉर्थ से लेकर के जब आप साउथ की तरफ आते हो तो यहाँ पर चार लेक ऐसे हैं जिनको जोड़ करके सॉरी छोड़ो उसको, चार लेक तो स्वेज कनाल में है, ये तो सीधी कंप्लीटली जाती है, यहाँ पे लेक है सर जिसे हम लोग कहते हैं लेक नासिर, ठीक है? नासिर ये ध्यान रखना है। बाकी कन्फ्लिक्ट है जड़ को लेकर के, जड़ मतलब ग्रांड इथोपियन रिनेसांस डैम। तो भाई बता दो ग्रांड इथोपियन रिनेसांस डैम कहाँ है? सर ये है आपके ब्लू नाइल के ऊपर, कहाँ से निकलता है? ये इथोपिया से निकलता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टावर ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? वाटर टावर ऑफ अफ्रीका के नाम से कौन सा रीजन काफी फेमस है? वाटर टावर ऑफ अफ्रीका के नाम से सर इथोपिया बहुत फेमस है, क्योंकि हाईलैंड है, यहाँ से नदियाँ ज़्यादा निकलती हैं, है ना? इसलिए वाटर टावर कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे तिब्बत को वाटर टावर कहा जाता है चाइना का, अफ्रीका का वाटर टावर इथोपिया। सर एक क्वेश्चन आया है कुक स्ट्रेट को लेकर के, बताना है कि कुक स्ट्रेट की जो पोजीशन है वो कहाँ होने वाली है? मुझे जाना कहाँ है? मुझे जाना है सर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में यहाँ पर नॉर्थ न्यूजीलैंड है, नॉर्थ न्यूजीलैंड का हिस्सा है, और ये साउथ न्यूजीलैंड का हिस्सा है, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में जो वाटर बॉडी है इसी का नाम है सर कुक स्ट्रेट। यहीं पे हमने पढ़ा था एक स्टेट बास स्टेट, ठीक है? यहीं पे हमने बाकी तो स्टेट बहुत सारे हैं सर, कितने ही स्टेट कर लो, कितने ही करोगे, ठीक है? बहुत बाकी आइडिया लग गया होगा कौन कौन से स्टेट हैं सर। आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड का मैप देख लो एक बार, न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड का मैप। इस मैप में नॉर्थ न्यूजीलैंड दिख रहा है, साउथ न्यूजीलैंड दिख रहा है, बीच में वाटर बॉडी दिख रही है, दिस इज
कुक स्टेट। फिर एक क्वेश्चन है मॉरिशियस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको याद आ रहा हो तो अफ्रीका के यहाँ पर कुछ आइलैंड देख रहे थे, नॉर्थ से साउथ कोमोरस, और यहाँ पर मेडागास्कर के ईस्टर्न रीजन में जाना है हमें। मेडागास्कर के ईस्टर्न रीजन में एक छोटा सा पिचकू दिखेगा, दिस इज द मॉरिशियस। मॉरिशियस वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, अमीर लोग ऑब्वियसली, छुट्टियां मनाने जाते हैं। जो बॉलीवुड के जो सितारे होते हैं वो तो न्यूज़ में छाए रहते हैं, मॉरिशियस गए थे, मॉरिशियस गए थे, है ना। तो कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है, बस एक आइडिया ये लग जाना चाहिए। और सर बहुत फेमस है, टूरिस्ट पॉइंट है, अफ्रीका का आइलैंड है, मेडागास्कर के ईस्टर्न रीजन में दिखेगा। इसको और थोड़ा सा अच्छे से देखें तो इंडिया है हमारा प्यारा भारत, ग्रेट भारत, अफ्रीका है, अफ्रीका के ईस्टर्न रीजन में मुझे कौन सा दिख रहा है, आइलैंड मेडागास्कर। मेडागास्कर के रूप ऊपर एक आइलैंड फेमस दिख रहा है जिसे मैं कोमोरस के नाम से जानता हूँ। उसके नीचे की तरफ आऊँगा तो ये पिचकुसा जैसा दिख रहा होगा, ये है आपका मॉरिशियस, मॉरिशियस की राजधानी पोर्ट लुइस। काम खत्म, पैसा हजम। देखो फिर बीच में नाइल रिवर जो है जज्बाती बनकर के आ गया है। नाइल रिवर सर इथोपिया है, मतलब कर लिया है, कितना करोगे। लेक विक्टोरिया से निकल रही है, ठीक है, नासिर लेक है, मेडिटेरियन सी है, अलेक्जेंड्रिया है, ठीक है सर। यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन इजिप्ट की जो है इसी रिवर के किनारे किनारे, 80% पॉपुलेशन इजिप्ट के आसपास ही रहेगी। नाइल इज इजिप्ट, इजिप्ट इज नाइल, सब वो बोल बच्चनगिरी हीरोडोट्स की इतिहास के जो जानकारों ने बोला था, ठीक है, वो सब बोल बच्चनगिरी कर ले। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन आता है पामिर पठार को लेकर के। अब दुनिया में सबसे ऊंचा अगर ये पठार है तो आपके और मेरे लिए क्या है, एक तरीके से क्षति होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कृष्ण जी आए थे, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और बहुत सारे लोग जो हैं उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे, बोला अब काफ़ी ज़्यादा बारिश आने वाली है, बाढ़ आ जाएगी, आ जाएगी। बोला कृष्ण जी ऐसा है, क्या करोगे आप बचाने के लिए, बोला गोवर्धन पर्वत उठा लो। तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया, सारे लोग उस पर्वत के नीचे आ गए, समझ रहे हो ना, वो हमारी जो एपिक है उसके ऊपर बात कर रहे थे। सेम मैनर में मान लो कि इसी तरह का गोवर्धन पर्वत तो नहीं है बट पामिर पठार है, और इसे संसार की छत कहा जाता है। ये एक तरीके से छत जैसा निर्माण हो रहा है। इसकी हाइट जो है वर्ल्ड में सबसे ऊपर है, मतलब इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है इस प्लेटू की, इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, चलो बढ़ो आगे। पामिर पठार, एक तो देखो पठारों के भी क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं ना। एक क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ जो इंडिया का, जो इंडिया तो नहीं है, तिब्बत में जाना है, पामिर का जो पठार है या तिब्बत का जो पठार है इसका एग्जाम्पल बता दो कौन सा है, मतलब ये किस टाइप के पठार भी आता है। तो अगर आप यहाँ देखो, देखो एक साइड हिमालय है, काराकोरम, हिंदू कुश, तियान शान, जब चारों तरफ से आपके पर्वत हो और बीच में आप फंस गए हो, यानी आपका जो जो माउंट आप जो प्लेटू हैं, पठार हैं, वो माउंटेन के चारों ओर हैं, मतलब माउंटेन के बीच में है, तो इस टाइप के प्लेटू को हम लोग इंटर माउंटेन पठार कहते हैं, इंटर मोन्टेने प्लेटू। अंतर पर्वतीय पठार, क्योंकि चारों ओर से पर्वत है। बस बढ़े आगे, लोकेशन देख लो, पामीर नोट कह लो, तिब्बत का पठार कह लो, कुनलुन माउंटेन्स हैं, हिंदू कुश है, हिमालयाज है, हिंदू राज है, सुलेमान रेंज है पाकिस्तान के, ये सारे देख लो, आगे पीछे देखो सारे के सारे माउंटेन दिखेंगे। यही वजह है कि रजिया फंस गई गुंडों वाली फीलिंग लेकर के इंटर माउंटेन पठार बनाती। पढ़ेंगे सर आगे, जूरा माउंटेन पूछा गया। जूरा माउंटेन पूछते ही आपको किस कॉन्टिनेंट में पहुंचना है, सीधे पहुंचेंगे सर यूरोप में। यूरोप में कहाँ पहुंचोगे सर, यूरोप में पहुंचेंगे फ्रांस से। फ्रांस के नीचे जो है कंट्री दिखेगी मुझे स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड और फ्रांस के ऊपर की तरफ देखेंगे, फ्रांस से आगे स्विट्जरलैंड के ऊपर स्विट्जरलैंड, बीच में मिलेगा मुझे मतलब इनके ऊपर की तरफ जर्मनी। तो इन तीनों कंट्री के बिल्कुल बॉर्डर पे जो माउंटेन मिलेगा उसे मैं जूरा माउंटेन कहता हूँ। लोकेशन देखो, ये रहा फ्रांस, ऊपर की तरफ कौन सी कंट्री आ गई, जर्मनी, नीचे कौन सी है सर, स्विट्जरलैंड। इन तीनों कंट्री के बाउंड्री पे जो माउंटेन दिखेगा उसी को सर हम जूरा माउंटेन कहते हैं। बाकी तो और कुछ ज़्यादा खास इसमें बोल बच्चनगिरी है नहीं, है ना। फिर आ गया सर द हैग। हैग क्या है, नीदरलैंड में जाऊँगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर मिलेगा आप लोगों को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर मिलेगा मुझे द हेग में। आप बता सकते हो कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर ऑफ नाटो बता सकते हो कि कहाँ मिलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एक नाटो। तो देखो जब आप यूरोप की बात करते हो तो जर्मनी पढ़ते थे हम लोग, और जर्मनी के साथ साथ कौन सी कंट्री है उसको छोड़ दो, जर्मनी के ऊपर की तरफ साइड में जब देखेंगे यहाँ पर एक कंट्री है जिसे हम लोग लग्जमबर्ग के नाम से जानेंगे, लक्स लिख दो, काम खत्म।
उसके ऊपर की तरफ जो मुझे कंट्री दिख रही थी वो कौन सी थी सर? बेल्जियम, बेल्जियम है ना, और बेल्जियम के साथ साथ लगते हुए कंट्री कौन सी थी सर? इसे हम कहते थे नीदरलैंड। तो डियर जी, नीदरलैंड में जाओगे तो एक सिटी दिखेगी आप लोगों को जिसका नाम है हैग। उसी हैग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। जब भी दो कंट्री के बीच में, जैसे पाकिस्तान और इंडिया हो गया, इनके बीच में अगर किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट को जो है दो कंट्री के बीच में आए हुए किसी भी कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हम दोनों लोगों के बीच में अगर किसी तरह का झगड़ा है, अब मैं भारतीय हूँ आप भारतीय हो, आपको कहोगे सर एक बार बताओ, अभी हमारा इंटरनेट चल रहा था, इंटरनेट बंद हो गया, बताओ सर क्यों बंद हो गया? तो अब मैं ना आपके ऊपर सू करूँगा ना, सू मतलब नॉट सू सू है ना, इट्स अ सू मतलब कोर्ट को इंक्वायरी बिठाऊंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, जज्बाती हो गए आप लोग। तो ऐसे झगड़ों का निपटारा करने के लिए हमारे पास कोर्ट है, लेकिन सर दो कंट्री के बीच में गड़बड़ आ जाए तो फिर उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ बेल्जियम है, यहाँ नीदरलैंड है, नीदरलैंड में ये शहर मिलेगा हैग, उसके बाद बेल्जियम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा नाटो का, बेल्जियम में हेडक्वार्टर मिलेगा नाटो का। तो यानी दो जो क्लोजली रिलेटेड कंट्री हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये नीदरलैंड है डियर जी, बहुत फेमस शहर है एम्स्टर्डम। एक मूवी भी आई थी बॉलीवुड की, क्वीन, क्वीन मूवी सारी की सारी बेस्ड ही है इस एम्स्टर्डम में, है ना। कभी लाइफ में मौका मिले तो एम्स्टर्डम भी जाना हो। यहाँ पर देखो एक सिटी हैग, हैग में अंदाजा लग गया कि यहाँ पर आपका क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। उसी के साथ एक सिटी दिखेगी आप लोगों को रोटरडैम। तो जो रोटरडैम है वो एक पोर्ट सिटी भी है ना। और अगर पूछा जाए कि यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट बता दो, बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप, तो आपको आंसर यही करना है, रोटरडैम। यार जी आपको बताना है कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पोर्ट, सॉरी बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है? बिजिएस्ट पोर्ट में आपको ये रोटरडैम ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड को पहले किस कंट्री के नाम से जाने जाते थे हम लोग, मतलब नीदरलैंड पहले किस नाम से जाना जा रहा था? हॉलैंड के नाम से। क्या ये जो हॉलैंड वाले लोग हैं इंडिया में आए थे क्या? हाँ सर, इंडिया में आए थे हॉलैंड वाले, है ना। कम जो कॉलोनी पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं? डेनिश पढ़ते हैं। एक तो डच थे, एक डेनिश थे, तो डेनिश मतलब ये हॉलैंड वाले लोग। चलो बड़े आगे क्वेश्चन, फिर वापस आ गया नियाग्रा फॉल्स। सर ये बोल बच्चन गिरी बहुत पढ़ ली, अमेरिकन ब्राइडल हॉर्सशू गॉट आइलैंड, ये यहाँ ठीक है सर, हो गया। नामीबिया कंट्री कहाँ फाइंड आउट करना है? नामीबिया को फाइंड आउट करना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? नामीबिया को फाइंड आउट करने के लिए सर मुझे जाना पड़ेगा अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ जाना पड़ेगा? अफ्रीका के चार रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, और सदर्न रीजन है। तो मुझे जाना पड़ेगा सदर्न वेस्ट में, सदर्न वेस्ट में यहाँ पर देखना है मुझे नामीबिया। नामीबिया में जैसे जाऊँगा तो नामीबिया में कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले बिल्कुल किनारे से, समुद्री किनारे से लगता हुआ एक डिजर्ट दिखेगा जिसका नाम है नामीब डिजर्ट। तो अब ये बता दो कि जो नामीब डिजर्ट है वो हॉट डिजर्ट है या कोल्ड डिजर्ट है? तो कृपया करके इसका आंसर करना कोल्ड डिजर्ट है ना, इसका ज़्यादातर हिस्सा कोल्ड डिजर्ट में आता है। उसके बाद यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इतोशा नेशनल पार्क। और अफ्रीका में जितने भी नेशनल पार्क होंगे वो सारे के सारे नेशनल पार्क फेमस होंगे अफ्रीकन जो एनिमल्स होते हैं ना, बड़े बड़े हाथी जानवर हैं, उन उन सब के लिए अफ्रीका में। समझ में आई भावनाएं? इतोशा नेशनल पार्क, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे तो देखो ओकावेंगो डेल्टा वाला रीजन दिखेगा, ओकावेंगो है ना। इसके बकायदा अफ्रीका में एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी हमने, ओकावेंगो। मेन के लिए जी सी लोंग भी काम आ जाएगा। विलियम जूनियर, सबसे पहले तो सिलेबस देखो डियर जी, ठीक है। सबसे पहले तो सिलेबस देखो, सिलेबस में देखो कि क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जी सी लोंग का नेटवर्क देखो। जनरली क्या होता है कि विलियम जूनियर जो हमारे सिलेबस है, चाहे 11th 12th की ज्योग्राफी हो, जी सी लोंग कह लो, प्री के लिए तो इट वुड बी सफिशियंट, बट मेंस में पॉइंट देखोगे तो उसमें जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए, ज्योग्राफी की जो एनालिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे लोकेशन फैक्टर आ गए, इंडिया के लोकेशन फैक्टर हैं, उसको आप 11th 12th की ज्योग्राफी में थोड़ी देख लोगे, इंडस्ट्री ज़रूर है बट लोकेशन फैक्टर नहीं पता चलेगा। उसके लिए तो आपको अलग अलग वेबसाइट से या अलग अलग आर्टिकल से कलेक्ट करना पड़ेगा सिलेबस। तो ये सारा खेल है दोस्त। चलो बढ़े आगे।
तो सर फिर आता है कैनबेरा। कैनबेरा आते ही आपको कहाँ जाना पड़ेगा सर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी है कि नहीं? अरे नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। सिडनी एक पोर्ट सिटी है, फेमस सिटी है। जब भी हम क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ जो सिडनी है राजधानी होनी चाहिए ना, सिडनी राजधानी नहीं है, कैनबेरा राजधानी है। और उसके लोकेशन कई बार ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसकी जो लोकेशन आपको दिखेगी वो साउथ ईस्ट में दिखेगी, है ना। साउथ ईस्ट वाले पॉइंट काफ़ी फेमस हैं ऑस्ट्रेलिया के। आप ये वेस्टर्न रीजन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरफ तो आपको ज़्यादातर जो है डिजर्ट ही मिलने वाले हैं। जब हम ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया से। सबसे नदर्न पॉइंट की तरफ जाओगे तो एक पॉइंट है जिसे हम लोग डार्विन कहते हैं, फिर एक पॉइंट है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में जिसे हम लोग एलिस स्प्रिंग्स कहते हैं, यहाँ पे कैनबरा है, ऑब्वियसली राजधानी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाले डार्विन एलिस स्प्रिंग्स, ये आगे आएंगे भी और हम पढ़ेंगे भी, है ना। फिर डियर जी, एक आइलैंड है फिजी आइलैंड, ये क्वेश्चन तो अपने हिसाब से कर लेना, मैं आपसे क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, सीधे हम फिजी आइलैंड पे ही चलते हैं इसके लोकेशन पे, ठीक है। ये है मैप, वर्ल्ड मैप, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे यहाँ जो जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कई सारे आइलैंड दिखने वाले हैं। इन आइलैंड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उन आइलैंड्स के नाम हमने अलग अलग रखे हुए हैं। कुछ आइलैंड का ग्रुप बनता है माइक्रोनेशिया में, कुछ आइलैंड्स का ग्रुप बनेगा पोलिनेशिया में, और कुछ आइलैंड्स का ग्रुप बनेगा मेलानेशिया में, ठीक है। कुछ आइलैंड्स का ग्रुप बनेगा मेलानेशिया में। चलो बढ़े आगे। अब देखो ये क्वेश्चन प्री में तंग करेंगे ही करेंगे, डैम श्योर। आज नहीं करेंगे, इस बार नहीं करेंगे, अगली बार करेंगे, अगली बार नहीं करेंगे, उससे अगली बार करेंगे, करेंगे जरूर, प्री में तंग करते हैं। सीडीएस जैसे जो सेक्शन होते हैं उसमें आते हैं क्वेश्चन ये कि भाई कौन सा जो आइलैंड है वो किसका पार्ट है। तो तीन आइलैंड का ग्रुप देख रहा है आप लोगों को, एक मेलानेशिया दिख रहा है, एक सर माइक्रोनेशिया दिख रहा है, एक पोलिनेशिया दिख रहा है। मेलानेशिया, अब इसका नाम मेलानेशिया क्यों पड़ा? आपका और मेरा जो स्किन का कलर है वो डिसाइड किससे होता है? मेलानिन से। मेलानिन जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब आप उतने ही ज़्यादा डार्क होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम मेलानिन मैक्सिमम डार्कनेस, मिनिमम मेलानिन उतने ज़्यादा फेयर होंगे। तो आप जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो जो पीपल हैं, जो लोग हैं, अलग अलग रीजन में आपकी उनकी अपेयरेंस भी अलग अलग होती है। इक्वेटर पे जो मिलेंगे वो डार्क मिलेंगे, जबकि पोल पे जो मिलेंगे वो फेयर मिलेंगे। तो फेयर मिलने का मतलब ये है कि सर उनके स्किन में मेलानिन नहीं होता। और इक्वेटोरियल रीजन में जो लोग रहते हैं, सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो मेलानिन उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो इसीलिए मेलानिन ज़्यादा मिलेगा इक्वेटोरियल रीजन में रहने वाले लोगों के, और यही वजह है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको ज़्यादा डार्क पीपल दिखेंगे। तो मेलानेशिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस रीजन में जब मैं आऊँगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी स्किन में मेलानिन मैक्सिमम है, मतलब हाँ यही चीज़ है। तो जितना आप इस रीजन में आओगे यहाँ पर डार्क पीपल देखेंगे, डार्क पीपल मतलब सर मेलानिन ज़्यादा, और यही वजह है कि इसका नाम जो पड़ गया है मेलानेशिया पड़ गया है। मेलानिन ज़्यादा ज़्यादा डार्क मिलेंगे यहाँ पे, है ना। और माइक्रोनेशिया जो होता है ये मिले जुले असर मिलेंगे आपको, यहाँ ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एथनिसिटी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, मतलब जो ट्राइबल्स वाले लोग हैं वो लगभग सेम है, सेम कल्चर वगैरह जो कल्चरल स्पेस है सेम फॉलो करते हैं। पर जो पोलिनेशिया है, आप जब इस पोलिनेशिया रीजन में आओगे जो एक तरीके से आपको कैसा दिखेगा, ट्राइंगल शेप में दिखेगा, है ना, ट्राइंगल शेप। और अगर इन सारी शेप को जोड़ दे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक एरो जैसा हो गया, है ना, करेक्ट का ये कुछ ऐसा जो एरो होता है। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो है माइक्रोनेशिया, नीचे का जो हिस्सा है वो मेलानेशिया, और ये जो तीर का जो ऊपरी हिस्सा उसे सर पोलिनेशिया कहते हैं। पोलिनेशिया मतलब पोली मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, पोली मतलब बहुत ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पर एथनिसिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग ब्रांड के हैं, अलग अलग ब्रांड मतलब समझ लो एथनिसिटी या उनका जो ग्रुप है वो अलग अलग है, जैसे हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे एक जगह रह रहे हैं, इसलिए पॉली मतलब मल्टी कल्चर हो गया यहाँ पे, तो पॉलिनेशिया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, अब फेमस आइलैंड कौन सा है यहाँ पे? हवाई। तो हवाई इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया या पोलिनेशिया।
हवाई इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया, एक चीज। दूसरी, फिजी आइलैंड पूछ रहे थे ना, तो आप बताओ बेटा फिजी आइलैंड कहाँ है? देखो फिजी आइलैंड की कलर देखो कौन सा है, कलर सर ये मेलानेशिया का, तो इसका मतलब फिजी इज द पार्ट ऑफ मेलानेशिया। सोलोमैन आइलैंड इज द पार्ट ऑफ मेलानेशिया, न्यू गिनी इज द पार्ट ऑफ मेलानेशिया। उसी तरह से हवाई पार्ट किसका है? पोलिनेशिया का। इसके बाद और फेमस कौन सा आइलैंड है? समोआ आइलैंड इज द पार्ट ऑफ पोलिनेशिया। तुवालु इज द पार्ट ऑफ पोलिनेशिया। टोंगा इज अ पार्ट ऑफ, टोंगा ट्रेंच भी आप लोग पढ़ते हैं ओशनोलॉजी, हम जब देखते हैं तो उसमें एक टोंगा ट्रेंच आता है, तो टोंगा ट्रेंच यहीं पे मिलेगा आपको। किसका पार्ट है? पोलिनेशिया का। न्यूजीलैंड किसका पार्ट है? इन सारे आइलैंड में से माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया में सबसे बड़ा आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा? न्यूजीलैंड में, सॉरी पोलिनेशिया में। कौन सा नाम है? न्यूजीलैंड। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो हवाई, न्यूजीलैंड, टोंगा, समोआ, तुवालु, इनका अपना कुछ भी एक न्यूमेनिक्स बना लो या फिर कोई ऐसा पॉइंट जिसमें इसको हम ये याद रख सकें। मार्शल आइलैंड आप लोगों ने सुना भी होगा, जब भी यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की जो ओवरसीज टेरिटरी है उसमें मार्शल आइलैंड भी आता है, किरीबाती बीच में भी न्यूज में रहता है। ये मार्शल आइलैंड वो आइलैंड है जिसपे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अमेरिका करता रहता है ना। फिलीपींस के पास ही यहाँ पर एक आइलैंड दिखेगा, मरियाना आइलैंड, मरियाना ट्रेंच आपको इसी रीजन में मिलेगा। एक तो फिलीपींस सी के पास है, तो फिलीपींस पर्टिकुलर पार्ट किसका है? वो माइक्रोनेशिया का। तो ये कंट्री बहुत फेमस है, ट्रेंच बहुत फेमस है ये। तो याद रखना अपने को कौन कौन से, मार्शल याद रखना, किरीबाती याद रखना, सोलोमन, फिजी, उसके बाद हवाई, समोआ, तुवालु, टोंगा और न्यूजीलैंड, और इनको देख लेना कि कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। एक्सट्रीम एंड पे देख लो एक बार, चलते चलते ईस्टर आइलैंड एक्सट्रीम एंड पे है सर, तो पूछने और पूछने जाने की संभावना यहाँ से थोड़ी बहुत बन जाती है। पढ़े आगे, फिजी आइलैंड की जब मैं बात करूंगा तो फिजी आइलैंड में यहाँ पर दो मेन आइलैंड ग्रुप दिख रहे हैं, एक वनालेवु दिख रहा है, एक वितुलेवु दिख रहा है। तो जो वितुलेवु है वो आपको बड़ा आइलैंड दिख रहा है कंपेरेटिवली वनाउलेवु के, है ना, विति और वनाउ। क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन मैंने जो सेट किया था उसके अकॉर्डिंग, वितुलेवु एंड वनाउलेवु आर टू मेजर आइलैंड, यस सर, इज एन आइलैंड कंट्री इन द मेलानेशिया, यस सर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट कौन सी हो गई हमारी? बोथ आर करेक्ट। चलो बढ़ो आगे। वियना, वियना राजधानी किसकी है? सर वियना को पढ़ने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में। तो क्वेश्चन ये पूछ रखा है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, नहीं सर ये तो ऑस्ट्रिया की है ना कि ऑस्ट्रेलिया की। वियना कन्वेंशन ऑफ 65 वाज इन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन सर, हाँ सर ये हमारा करेक्ट है, लेकिन 65 में नहीं हुआ था, वो 63 के आसपास हुआ था, ये थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेना आप। तो वियना कहाँ मिलेगा? यूरोप में मिलेगा सर। कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कहाँ मिलेगा सर? यहाँ पे जर्मनी के नीचे एक बाउंड्री शेयर करता हुआ कंट्री दिख रहा है जिसे मैं ऑस्ट्रिया कहता हूँ। तो ये है जर्मनी, जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, है ना, खत्म। निकारगुआ पे पहुंचो, निकारगुआ कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, पार्ट ऑफ रिंग ऑफ अफ्रीका, रिंग ऑफ फायर, हाँ सर दोनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका है, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका है, बीच में जो कंट्री बच गई इनको हम लोग सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, और सेंट्रल अमेरिका के साथ जो कंट्री है इनको हम लोग कैरिबियन आइलैंड या कैरिबियन कंट्री बोलते हैं, है ना। ये वाले सारे की जो हैं ये कैरिबियन कंट्री है, ये आपका सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका में कंट्री दिख रही है निकारगुआ, और जब भी मैं रिंग ऑफ फायर की बात करता हूँ तो ये हमारा रशिया वाला पार्ट हो गया, न्यूजीलैंड वाला, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया, ये सर मिडल अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका का होगा, ये ऑस्ट्रेलिया होगा, और यहाँ से मुझे एक रिंग बनती हुई दिख रही है जिसे मैं रिंग ऑफ फायर कहता हूँ, यानी वोल्केनिक एक्टिविटी इस रीजन में आपको ज़्यादा मिलेगी। सर एक डिजर्ट है जिसका नाम है गोबी डिजर्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो गोबी है वो पार्ट है मंगोलिया का और कजाकिस्तान का, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गुरु वंश शेखान नेशनल पार्क, गुरु वंश शेखान नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है। बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी आप गोबी डिजर्ट पढ़ते हो तो या तो मंगोलिया आता है या चाइना आता है ना, तो कजाकिस्तान कैसे आ गया, खत्म करो इस पॉइंट को। और क्या गुरु वंश शेखान नेशनल पार्क इसका पार्ट है? देखने के लिए तो आपको चलना पड़ेगा गोबी डिजर्ट के कुछ फैक्ट्स पॉइंट पे। तो जैसे यहाँ पर है ना गोबी डिजर्ट है, ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे इन दी गोबी डिजर्ट गुरु वंश शेखान नेशनल पार्क, ये आपको यहाँ पर मिलने वाला, हाँ सर यहाँ तो है मैप पे, फिर आ जाओ, ये आपको मैप दिख रहा है मंगोलिया का, मंगोलिया की राजधानी उलनबातो यहाँ दिख रही है, नीचे की तरफ है छोटी आँख वाले लोग, चाइना वाले लोग। उसके बाद यहाँ देखोगे बीच में, मतलब मंगोलिया और चाइना के बिल्कुल बाउंड्री साइड पे मुझे एक रीजन दिख रहा है, एक नेशनल पार्क दिख रहा है यहाँ पे, गोबी गुरु वंश शेखा नेशनल पार्क,
है, तो ये सारा रीजन जो है वो गोभी का ही रीजन है, गोभी। हेलो अगम आहूजा, आप इतना इतना कुछ लिख रहे हैं, है ना, कौन पढ़ रहा है डीए जी? क्यों इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं, क्यों तंग हो रहे हैं? बैठे हैं, देखें, समझें। आप लेते हैं गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, कितना ही लिख लो डियर जी, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। आप लगातार लगे हुए हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? थोड़ा चिल चिल मारो बेटा, माउंटेन ड्यू टाइप कुछ पियो, डर के आगे जीत वाली फीलिंग लो। चलो, पायरेनीज बताना है कि ये पायरेनीज स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री पे है और ये है आइबेरियन पेनिनसुला का हिस्सा। सर, आइबेरियन पेनिनसुला में तो सिर्फ और सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल आता है, उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फ्रांस और स्पेन को अलग जरूर करता है, तो वन वाला जो हिस्सा वो सर करेक्ट है। ये सर आइबेरियन पेनिनसुला है, ऊपर की तरफ फ्रांस है, बीच में जो माउंटेन दिखेंगे वो है पायरेनीज माउंटेन। आ जाओ वापिस। सर ये स्पेन है, ऊपर की तरफ फ्रांस है, बीच में जो माउंटेन दिख रहे हैं ये पायरेनीज हैं। इसी पायरेनीज के पास एक कंट्री भी है, कंट्री का नाम क्या है? एंडोरा है कि नहीं? पायरेनीज माउंटेन में कंट्री भी है जिसका नाम है एंडोरा। तो तीन कंट्री हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में, सैन मेरिनो, ठीक है, एक कंट्री, दूसरी कंट्री थी सर वेटिकन सिटी, यूरोप की मैं बात बता रहा हूँ बच्चे, और तीसरी कंट्री है एंडोरा। सर ये तीन कंट्री ऐसी कंट्री हैं जो कंट्री विद इन कंट्री मिलेंगी, मतलब देश के अंदर देश मिलेंगे। सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी पाने के लिए आपको इटली जाना पड़ेगा, है ना, और एंडोरा पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पे, जहां पर पायरेनीज के माउंटेन है, और उसी पायरेनीज माउंटेन में कंट्री है, दैट इज द एंडोरा। खत्म करो, साइप्रस पे पहुंचो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुझे ये बताना है कि ये किसका पार्ट है, ये मेडिटेरेनियन सी के वेस्टर्न हिस्से में मिलेगा, और निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। जब आप मेडिटेरेनियन सी की बात करते हो तो मेडिटेरेनियन सी का ये ईस्टर्न हिस्सा है और ये वेस्टर्न हिस्सा है, और ये कह रहा है ये मेडिटेरेनियन सी इनके वेस्टर्न में मिलेगा। नहीं सर, ये मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में मिलेगा, क्योंकि इसकी लोकेशन देखो कहाँ है। ये है अरेबियन पेनिनसुला, इस अरेबियन पेनिनसुला और ये बीच में जो आपको दिख रहा है चमकता हुआ, सर यही है मेडिटेरेनियन सी, और इस मेडिटेरेनियन सी पे जाऊंगा तो इस मेडिटेरेनियन सी का ये ईस्टर्न रीजन है, ये वेस्टर्न रीजन है। इस ईस्टर्न रीजन में ये बिल्कुल जो चिपका हुआ है, कहाँ पे चिपका हुआ है दोस्त? ये सर ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा, इसे थोड़ा जूम कर लो समझ में आ जाएगा। इसको ही हम कहते हैं साइप्रस। आ जाओ वापस मैप के ऊपर। सर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी को पकड़ो, वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में आपको टर्की दिख रहा है ना, ये सीरिया दिख रहा है, इसके साथ लेबनान दिख रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ सर इसराइल दिख रहा है। इनके साथ लगता हुआ मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न रीजन में एक कंट्री दिख रही है जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी दिख रही है निकोशिया, तो साइप्रस की राजधानी निकोशिया, हाँ ये सर करेक्ट है, बट साइप्रस है कहाँ? मेडिटेरेनियन सी, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, और ये जो अरेबियन पेनिनसुला वाले रीजन में जो तीन कंट्री दिखेंगे, सीरिया, लेबनान और इसराइल, उसके साथ ही कनेक्ट करना है। और मैं आपको बार बार ये बात बोल चुका हूँ कि कुछ याद करो ना करो, दो चीज़ें हमें समझनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मेडिटेरेनियन सी और उसके आसपास के हिस्से, ये हमें करने करने हैं, और साथ साथ में ये जो कंट्री है मिडिल ईस्ट, इसको पकड़ना है, इनको तो हम बहुत अच्छे तरीके से करना है, और दूसरा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको भी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो ऑलरेडी हमारा जो सेक्शन चल रहा है आगाज पे, है ना, आगाज जो सेशन चल रहा है हमारा, इस आगाज सेशन में 6 PM पे हम लोग जो सेशन अभी कर रहे हैं वो एशिया ही कर रहे हैं, और एशिया में ऑलरेडी एक हिस्सा हो चुका है, तो मतलब साउथ ईस्ट एशिया का एक हिस्सा जो पॉलिटिकल मैप है वो हम कर चुके हैं। तो डियर जी कनेक्ट रहिए मिडिल ईस्ट को भी पढ़ने के लिए, बहुत काम आता है, एग्जामिनर कुछ ज़्यादा जज्बाती होता है इन दो रीजन में। फिर सर एक हिस्सा आता है हडसन बे, उसके लोकेशन बताओ कहाँ है? वो कहता है मेरे भाई ये आपको यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे मिलेगा और हडसन रिवर के माउथ पे मिलेगा, तो बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट हैं। लोकेशन कहाँ है? यहाँ देखो, ये है कनाडा, नीचे है यूएसए, और ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला हिस्सा, ये सर ये, हाँ ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ठीक है,
वो वाले फीलिंग लेते हुए जाना है अपने को। और इस पोर्शन को ही सर हम कहते हैं हडसन बे, और एड्स हडसन बे में ही अमेरिका की एक नदी आती है हडसन रिवर, और वो अपना ज़्यादा और जो वाटर है वो यहाँ पर ड्रेन करती है। ठीक है, इसके सर ऊपर की तरफ तो हडसन बे है, ये नीचे की तरफ एक और हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा सर, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं जेम्स बे। तो हडसन बे के अंदर जेम्स बे मिलेगा आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बड़े आगे हडसन बे दिख रहा है, जेम्स बे दिख रहा है, कनाडा और यूएसए दिख रहा है, हाँ सर ये दिख रहा है। चलो बढ़ो आगे, बात खत्म, इसमें हडसन रिवर को गुजारो। सर कैंपुचिया, कैंपुचिया से एक क्वेश्चन आया है, कैंपुचिया वाज पार्ट ऑफ टुडेज कंबोडिया, खमेर इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? कंपूचिया कहाँ है सर? आज के कंबोडिया को ही हम लोग कंपूचिया कहते हैं। देखो कनेक्ट करो ना, कंपूचिया कंबोडिया, तो कंपूचिया का मॉडिफाइड वर्जन है कंबोडिया। और जब आप जाओगे तो खमेर, खमेर बहुत कुछ पढ़ते हो आप लोग, खमेर राजा थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक मंदिर भी है अंगोर वाट। तो आप ऐसा जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि खमेर के राजाओं ने जो है वो मंदिर को बनवाया था। तो डियर जी खमेर राजा हैं तो उसका मतलब लैंग्वेज भी तो होनी चाहिए। खमेर, खमेर इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंबोडिया। राजा ने क्या, फनोम फेन। और यहीं पे हम तीन चीज पढ़ करके आ रहे हैं ना, वी एल सी, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इन तीनों को जोड़ोगे तो आप कहाँ, क्या माफी चाहूंगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा सर? इंडो चाइना। तो ये तीनों हिस्से जुड़ जाओ वी एल सी प्लेयर से, वी एल सी यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, तीनों को जोड़ो तो बनेगा सर इंडो चाइना, है ना। चलो बढ़े आगे, फिर आ गया फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट, तो जब फॉकलैंड करंट की बात करोगे तो हमें कहाँ जाना है? फॉकलैंड आइलैंड पे। फॉकलैंड आइलैंड इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, और इस फॉकलैंड आइलैंड में आपको क्या मिलेगा? होम टू शिप फार्म, ठंडे इलाके हैं। देखो लॉजिक लगाओ ना यार, सारा खेल तो लॉजिक का है। याद आ रहा आप लोगों को कि यूरोप में ऊपर की तरफ हम लोग एक आइलैंड पढ़ रहे थे, फेरो आइलैंड, और एक आइलैंड पढ़ रहे थे हम लोग, सॉरी ये एक आइलैंड हम पढ़ रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड। दो दोनों आइलैंड की लोकेशन देखोगे तो ये आर्कटिक सर्कल के आसपास मिलेगा, एक आर्कटिक और एक अंटार्कटिका सर्कल के आसपास। ठंडा इलाका है, कोल्ड इलाका है, प्लस रिमोट इलाका है। रिमोट मतलब समझते हो? रिमोट मतलब ये नहीं है कि सर टीवी बदलने वाला रिमोट है क्या, नहीं, रिमोट का मतलब काफी दूर दराज का एरिया। तो इस रीजन में जब आप आओगे, दूर दराज में जाओगे और ऊपर से ठंडा इलाका है, तो लोग है ना बचने के लिए क्या करेंगे सर? यही भेड़ बकरी पालेंगे, तो ऑब्वियसली शिप फार्म के लिए फेमस होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो दोनों होने चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ यूट्यूब पे मिल जाए कि इनके बारे में हम देख सकें कुछ वीडियोस, अगर इसके डॉक्यूमेंट्री अगर नेशनल ज्योग्राफी ने बनाई हो तो उस पर हम बात कर सकते हैं। ये देखिए अपनी क्लास चल रही है प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस की, है ना, तो फेरो आइलैंड पे बात करते हैं हम। छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? भाई टाबर हैं, टाबर तो बोल रहे हैं भाई, है ना, टाबर का क्या कर सके प्रवीण, टाबर ना चुप भी नहीं करवा सकते भाई, टाबर का तो भाई दिक्कत ही हुआ है। टाबर ने मजा आ रहा है ना प्रवीण, और क्या करा, टाबर ले वे पूरे स्वाद। तो बेसिकली हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं फेरो आइलैंड पे, बहुत रिमोट इलाका है। हेलो मनजीत सिंह, और खूबसूरती नो डाउट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रहेगी भी, है ना,
ना, जहां इंसान नहीं है वहां खूबसूरती मिलेगी, इंसान जहां गया गंदगी वहां करेगा ही करेगा। ये देखो भेड़ आ गई ना, तो क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त, पूछा हुआ है सीडीएस के प्रीवियसली, अगर 5 6 साल सेशन में जाओगे ना, आपको पूछा गया है कि फेरो आइलैंड जो है इसमें कौन सा फेमस है। बेसिकली शिप रेयरिंग के लिए बहुत फेमस है, रिमोट इलाके बहुत कम रहते हैं, ठंडा इलाका है तो शिप पालना पड़ेगा। मतलब सोच रहा हूँ कि बैठे बैठे है ना आप लोगों को फेरो आइलैंड जो है घुमा दिया जाए। फेरो आइलैंड ब्रैकेट में देखोगे तो कौन सा हिस्सा मिलेगा फेरो आइलैंड का, तो डेनमार्क मिलेगा, मतलब ये बेसिकली डेनमार्क के। अरे बढ़िया है प्रवीण, है ना, कदे आना होगा ना थार मरुस्थल में, तो चलेंगे भाई घुमाएंगे, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, आना ही चाहिए प्रेम कुमार यादव, ये इंडिया थोड़ी है जहाँ मजा नहीं आ रहा है ना। अब ये मत कह देना सर मुझे मजा आया, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, है ना, मजा आया तो ये मजा सबको दो। ये देखो आ गया ना, है ना, चतुर नार बड़ी होशियार। चलो तो फेरो आइलैंड हमने देख लिया, अब हम दूसरे आइलैंड पे चलते हैं, एंड विच इज द फॉकलैंड आइलैंड। बहुत कम है, ठीक है यार, बड़ी हार्श लाइफ है, इतनी आसान नहीं है। फिशिंग सेक्टर और शिप रेयरिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको इस रीजन में, है ना। पैराडाइज जिसे कहते हैं ना, जन्नत, मतलब पृथ्वी के जन्नत, तो आपको पृथ्वी के जन्नत में ये जगह दिखेगी। ठीक है दोस्त, पैसे का खेल है, जिस दिन पैसा आया उस दिन निकलना फेरो आइलैंड की तरफ, बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल इलाका है, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, ठंडे इलाके हैं, और गेम ऑफ थ्रोन्स आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जो ठंडे इलाके विंटरफेल तो बड़ा अच्छा दिखता है ना। हेलो मनजीत सिंह, हेलो हेलो हेलो। चलो तो सर ये तो बात होगी फेरो आइलैंड की, अब हम कहाँ चलेंगे डियर जी, हम चलेंगे सर अब फॉकलैंड आइलैंड की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, फॉकलैंड आइलैंड के पास आपको फॉकलैंड करंट मिलेगी क्या? फॉकलैंड करंट, हाँ सर, फॉकलैंड करंट कैसी है, ठंडी या गर्म है? ठंडी है सर, और जब ठंडी करंट होगी तो उसके आसपास आपको क्या मिलेगा? ठंडी करंट में आपको डिजर्टिक कंडीशंस वाले रीजन भी दिखेंगे ना, ठंडी अगर करंट है तो ऑब्वियसली ना वहाँ पर आपको कुछ डिजर्टिक जैसे सिनेरियो भी दिखेंगे, जैसे आपको यहाँ हरियाली कम दिख रही है, लॉजिक लगाओगे तो निकल जाएगा, हरियाली यहाँ पर कम दिख रही है। प्रीवियसली जब हम लोगों ने ये देखा था फेरो आइलैंड, फेरो आइलैंड पे आपको ग्रीनरीज ज़्यादा दिख रही है, बट यहाँ ग्रीनरीज कम है। क्यों? लॉजिक लगाओ, क्योंकि सर यहाँ पर फॉकलैंड करंट है, फॉकलैंड करंट है मतलब ठंडी करंट है, मतलब सर वही इवेपोरेशन नहीं होगा, डिजर्टिक कंडीशन जैसी बनेंगी, इसलिए आपको यहाँ पर है ना हरा भरा इलाका कम दिखेगा कंपेरेटिवली फेरो आइलैंड के। इनको तो पैराडाइज ही कह लो यार, कई बार तुमको दिखाने के चक्कर में ना मैं भी थोड़ा सा जेलसी फील करने लग जाता हूँ। खैर हमने देख लिया फेरो आइलैंड, अब चलो आ जाओ ना, बहुत बोलो बच्चनगिरी कर ली, अब देख लेते हैं टॉपिक को। सर अटलांटिक ओशन का हिस्सा है क्या? पहले तो आप देखो कि ये फेरो आइलैंड आपको मिलेगा कहाँ, सॉरी फॉकलैंड आइलैंड आपको मिलेगा कहाँ, साउथ अमेरिका में जाना। देखो ये साउथ अमेरिका, ये अमेरिका है साउथ अमेरिका, इसके नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको एक करंट, एक आइलैंड दिखेगा जिसको हम कहते हैं फॉकलैंड आइलैंड करंट, इसके अंदर है, ये यूनाइटेड किंगडम के अंडर है, बट क्योंकि ये नज़दीक अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना कहता है ये मेरा हिस्सा है, ये जो यूरोपियन लोग हैं ये कहते हैं सर ये मेरा हिस्सा है, तो एक तरीके से इनके बीच में डिस्प्यूटेड बना हुआ है। ठीक है
पढ़ते हैं आगे। फॉकलैंड करंट दोस्त, सॉरी फॉकलैंड करंट है सर, यहाँ से नीचे की तरफ से करंट जा रही है, फॉकलैंड करंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये ठंडी करंट है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऑलवेज वेलकम मंजीत, ऑलवेज वेलकम डियर। कालाहारी डिजर्ट सर, डिजर्ट तो बहुत है, कहाँ मिलेगा ये कालाहारी? कालाहारी काला भी है और हरा भी है, ऐसा है क्या? नहीं यार, देखो ये कहता है कि पार्ट्स है बोत्सवाना का और नामीबिया का। नामीबिया में तो नामीब डिजर्ट है ये तो सर श्योर है। डिजर्ट इज फॉर्म ड्यू टू दी ऑफशोर ट्रेड विंड एंड बेंगुला करंट। तो जो कालाहारी डिजर्ट है वो ये कहता है कि ये ऑफशोर ट्रेड विंड से भी बनता है और बेंगुला करंट की वजह से भी बन रहा है। तो जब मैं अफ्रीका की तरफ जाऊंगा तो यहां से कौन सी करंट जा रही है? सर यहां करंट है बेंगुला करंट। हाँ ठंडी करंट है, हाँ ठंडी करंट है तो रेट ऑफ एवोपरेशन कम होगा, हाँ डिजर्ट बनेंगे, हाँ तो बना दो ना, बन गया सर। यहाँ से ट्रेड विंड आ रही है, हाँ सर ट्रेड विंड यहाँ से मॉइस्चर उठा रही है, उठा लिया, बारिश आ गया यहाँ पे, आ गया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी मॉइस्चर कम होता गया, कम होता गया, तो अल्टीमेटली वेस्टर्न पॉइंट तक आते आते ये विंड क्या हो जाएगी, जो ट्रेड विंड आ रही है ये ऑफशोर हो जाएंगी। ऑफशोर का मतलब सर उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, और जब उसमें ऑफशोर जब मॉइस्चर नहीं रहा तो बारिश भी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो सर ओवर द टाइम ये क्या हो जाएगा, डिजर्ट बन जाएगा। बोत्सवाना डिजर्ट आपको कहाँ दिख रहा है? नामीबिया और सॉरी कालाहारी डिजर्ट, नामीबिया और बोत्सवाना, इन दोनों के बिल्कुल बाउंड्री पे दिखेगा, है कि नहीं? चलो, वोल्गा सबसे लंबी नदी है यूरोप की, यस सर। कैस्पियन सागर में जाती है, हाँ सर, दोनों का आंसर यस होगा। ये देखो वोल्गा कहाँ से निकलती है? रशिया से। कौन सा रशिया? सर एशिया वाला रशिया, या यूरोप वाला रशिया, यूरोप वाला रशिया यानी पश्चिमी रशिया, वहाँ से नदी निकलेगी, ये निकलते गई अल्टीमेटली ड्रेन आउट किया इसने कहाँ? कैस्पियन सी ने, कैस्पियन सी में, और कैस्पियन सी इज नॉट ए सी, इट्स ए लेक। कैस्पियन सी इज नॉट ए सी, इट्स ए लेक। तो दोस्त बस इसमें तो और कुछ है नहीं, और ये सबसे लंबी नदी है वोल्गा रिवर, यहीं से उराल पर्वत से एक नदी आ रही है, यूराल माउंटेन्स है, यूराल रिवर, तो यूराल रिवर जो है वो भी यहीं कैस्पियन सी में जाती है। याद आ रहा होगा कुछ ऐसा कुछ हम करके आ रहे थे। बाकी डॉन नदी है, दनाइस्तर नदी है, दनाइपर नदी है, डॉन तो जाती है सी ऑफ एजो में, बाकी दनाइस्तर दनाइपर ये सारी नदी कहाँ जाएगी? ब्लैक सी में, यूरोप वाली रिवर्स। किलिमंजारो एक्टिव वोल्केनो है क्या? किलिमंजारो नहीं सर, एक्टिव नहीं है ये, डेड है, एक्सटिंक्ट है, मर गया, ये खत्म हो गया है, ये जुम्बाई बन गया है। तंजानिया में है क्या किलिमंजारो? हाँ सर तंजानिया में है बट एक्टिव नहीं है। और ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है क्या? हाँ सर ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन। तो आप देखो इसकी लोकेशन केन्या और तंजानिया के बिल्कुल बाउंड्री पे मिलेगी किलिमंजारो, दिख रहा है? हाँ तो ये किलिमंजारो, ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री पे। वोल्केनो है, एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है, सॉरी एक्सटिंक्ट है, डेड है, मतलब ये मर गए हैं, अब ये कभी नहीं उभरेंगे, कभी फटेंगे भी नहीं, है ना। बीच में इन तीनों कंट्री की लेक विक्टोरिया दिख रही है। चलो तंजानिया में किलिमंजारो के पास एक पिक दिख रहा है, ओरू पिक दिख रहा है, हाँ ओरू पिक याद रखना। बढ़ते आ गए, कुछ लोग बड़े जज्बाती किस्म के होते हैं दोस्त, मतलब ऐसे लोग, हाँ माउंट किबू बिल्कुल अरातारी का, माउंट किबू जो हाईएस्ट है सबसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े जज्बाती किस्म के होते हैं, है ना, माउंटेन ड्यू पिया होता है उन्होंने, पीते रहते हैं और डर के आगे जीत वाली फीलिंग लेकर के बैठे होते हैं। तो वर्ल्ड में 7 ऐसे पिक हैं जिसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं वो लोग, 7 पिक वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट में हैं। अगर कोई भी इन 7 पिक को, जो आपके पिक में दिख रही है तस्वीर देख रहे हो, कोई अगर इन 7 पिक के ऊपर चढ़ गया तो वो हॉल ऑफ फेम हो जाता है, हॉल ऑफ फेम, 7 पर्वतों पे चढ़ जाओ, हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन जाओ। और हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए, इसका मतलब आपकी जो तस्वीर है ना, जो पिक है वो तस्वीर बेटा आपको पूरे वर्ल्ड में ही मिलेगी। मतलब जब हॉल ऑफ फेम की जब बुकलेट निकालेंगे ना, तो हॉल ऑफ फेम की बुक में, बुकलेट में आपका भी नाम होगा अगर आप इन 7 के 7 पिक को क्रॉस कर गए तो।
चढ़ गए तो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में कोसिजियोको है, अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट पिक विंसन मैसिफ है, ये याद रखना, बीच बीच में जज्बाती हो जाता है एग्जामिनर। यूरोप में एल्ब्रुस है, देखो यहां एल्ब्रुस है और एक एल्ब्रुज है, याद आ रहा है, एल्ब्रुज, एल्ब्रुज इज द पार्ट ऑफ ईरान, एल्ब्रुस इज द पार्ट ऑफ यूरोप और रशिया, कहां पे, कॉकेकस माउंटेन में, है ना। तो एल्ब्रुज इज द हाईएस्ट पिक ऑफ यूरोप। अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है किलीमंजारो, और जो पॉइंट है उसे कीबू बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में अलास्का में जाना है, वहां पे एक पॉइंट दिखेगा मुझे अलास्का माउंटेन में, देनाली पॉइंट। और साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में जाना है, वहां एक पॉइंट दिखेगा अकांगुआ, साउथ अमेरिका का जो एंडीज माउंटेन है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट। और वर्ल्ड में सबसे ऊंचा दिखेगा एवरेस्ट, है ना, 8,850 मीटर के आसपास इसकी जो है हाइट है। सातों महाद्वीप में, मतलब अलग अलग महाद्वीप में सातों पॉइंट पे चढ़ जाओ, आप हॉल ऑफ फेम का हिस्सा हो जाओगे। अब एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। कुछ लोगों को लगता है कि सर, मतलब कई बार है ना, बड़ा अंदर से आता है कि मैं भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊँ। तो सर, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए मतलब मैं घर से भाग जाऊँ और सीधे भागता जाऊँ भागता जाऊँ, भाग मिल्खा भाग बन जाऊँ और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊँ, तो सर कोई दिक्कत होगी क्या, कोई रोकेगा क्या मुझे? हाँ बेटा, बिल्कुल रोकेगा। क्योंकि तो आप है ना, माउंट एवरेस्ट पे ऐसे नहीं चढ़ सकते, मुंह उठाया और चले गए, बोला मैं तो जा रहा हूँ भाई सुसाइड करने। कहाँ से सुसाइड करेगा जी, मैं यूपीएससी से तंग आ चुका हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के सुसाइड करूंगा। नहीं दोस्त, नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। आपको वहाँ चढ़ने के लिए पहले क्या करना होगा, स्पॉन्सरशिप करेगी कोई कंपनी आपको, फिर ट्रेनिंग होगी, लंग्स वगैरह जो है इसकी बाकायदा मेजरमेंट होगा कि लंग्स तुम्हारा ठीक है कि नहीं है, तुम चढ़ पाओगे कि नहीं चढ़ पाओगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी जाती है, सब चेक होता है। और एक बेस पॉइंट होता है माउंट एवरेस्ट का, कुछ लोग वहां चढ़ जाएं वही बहुत बड़ी बात है, कुछ लोग बेस पॉइंट तक भी नहीं चढ़ पाते हैं। और रियल चढ़ाई बेस पॉइंट के ऊपर है ना, तो ये एक बड़ी चीज है, बेस पॉइंट और इसके ऊपर। तो अगर कल को अगर ये लगे ना कि सर मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहूं, तो बताओ कितना खर्चा लगेगा? माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए लगभग आपके जो पॉकेट में ना 40 लाख होनी चाहिए, 40 लाख रुपीज आपकी पॉकेट में होने चाहिए, या फिर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप करे जिसका सारा पैसा वो सहन करे, मतलब वो वहन करे, है ना, सहन कह लो या वहन कह लो, बात एक ही है, मतलब वो दे, तो फायदा है, तो हम चढ़ सकते हैं। बाकी भैया ऐसे नहीं चढ़ पाओगे, लगभग अराउंड 35-40 लाख, इट्स नॉट ईजी जॉब। खैर पढ़ते हैं आगे, जेनेवा पे ये कहता है कि जेनेवा इज द सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। हाँ सर, ये जूरा और अल्प माउंटेन के में मिलेगा। हाँ सर, तो दोनों ही करेक्ट है भाई, यहाँ है हमारा जूरा माउंटेन, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे है सर एल्प्स माउंटेन, और इनके बीच में मुझे लेक जेनेवा दिख रही है, और इसी लेक जेनेवा के पास एक सिटी है सर जेनेवा। और जब आप जेनेवा की बात कहते हो, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर है बकायदा जेनेवा। अब देखो कंट्री कौन सी है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कंट्री दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कंट्री में आती है, घूमने के हिसाब से भी, रहने के हिसाब से भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्विट्जरलैंड कंट्री है, इसमें हर 10वां व्यक्ति जो है अरबपति है, मैं करोड़पति नहीं कह रहा, अरबपति है हर 10वां व्यक्ति, है ना। इसका मतलब है कि हर 7वां 8वां व्यक्ति वहाँ करोड़पति होगा, इसका मतलब है कि हर 4था 5वां व्यक्ति जो है वहाँ अरबपति होगा। तो बेसिकली गरीबों का देश नहीं है ये स्विट्जरलैंड, है ना। एक चीज़ जेनेवा में देखो, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड में बकायदा स्विस बैंक है जिसमें दुनिया भर का काला धन जमा हुआ है, तो इसलिए भी अमीर है। अमीरी का कारण क्या है, मतलब कोई इंडस्ट्री थोड़ी है सर। अमीरी का कारण सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर हो जाना, दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी है, तो जो अमीर लोग हैं वो रहना चाहेंगे, तो जो मकान खरीदेंगे ऑब्वियसली सर वो बहुत महंगा होगा, दुनिया के सबसे महंगे देश में से आता है स्विट्जरलैंड। इसे स्विट्जरलैंड में आप देखोगे मॉन्ट्रीज है, और एक रिकॉर्ड बनता है या अकॉर्ड बनता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड या मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड, रामसर साइट, जो वनरेबल रामसर साइट से उनका रिकॉर्ड बनाना मॉन्ट्रिक्स साइट, ऐसा कुछ पढ़ते हो, तो वो मॉन्ट्रिक्स कहाँ है, वो स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है, तो इसको समझो। तो ये कहता है कि जो जेनेवा है वो जूरा माउंटेन और एल्प्स माउंटेन के बीच में है। हाँ सर बिल्कुल बीच में, लेक जेनेवा के पास ही है। चेरापुंजी, चेरापुंजी को मेघालय में सेरा कहा जाता है, मतलब आप और मैं चेरापुंजी कहते हैं, लेकिन क्या मेघालय में चेरापुंजी कहते हैं क्या इसे? ना, जहां जहां जाओगे वहां वहां शोरा पढ़ोगे,
चेरापूंजी नहीं पढ़ोगे। और वहाँ एक फेमस केव है, माउसमाई केव, जो स्टेलैक्माइट्स के लिए फेमस है। केव है ना, केव में ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से जो लाइमस्टोन के जो पत्थर लगे रहते हैं, स्टेलैक्माइटाइट्स और स्टेलेक्टाइट्स, ऐसा कुछ पढ़ा हो आपने, तो ये आपको मिलेंगे माउसमाई केव्स के अंदर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये देखो, मेघालय में पहुंचो, यहाँ पर कुछ फॉल्स है। फॉल्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब कूदना है सर हमें यहाँ पे, फॉल्स मतलब वाटरफॉल्स। और इस वाटरफॉल्स में आपको है ना, यहाँ पर जो फॉल्स दिख रहे हैं, इस फॉल्स में आपको लगभग मतलब अगर काउंट करोगे तो यहाँ 7 बड़े फॉल्स दिखते हैं। तस्वीर में हो सकता ना हो, इसी वजह से इसे सेवन सिस्टर फॉल कहा जाता है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर कहलाते हैं ना, तो उन्हें सेवन सिस्टर को डिनोट किया गया है ये फॉल्स, सेवन सिस्टर फॉल्स। कहाँ मिलेगा? मेघालय में। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना आप, ये पॉइंट, ये बिंदु, मैं 2018 में इस पॉइंट पे था, ये वाला पॉइंट जिसको गोला किया मैं, है ना। मुझे मेघालय बहुत पसंद है, तो इस पॉइंट पे मैं था कभी। बहुत फेमस जगह है, ऑब्वियसली वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है चेरापुंजी, है ना, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। आप समझो, ये जो बोर्ड है ये बहुत पुराना बोर्ड है। देखो देखो, चेरापुंजी इज लोकली नोन एज सोहरा। चेरापूंजी को लोकली हम लोग सोहरा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बोला गया है ना, अब ये नहीं है, इसकी जगह किसने छीन ली? मेघालय के ही दूसरे पॉइंट ने छीन ली है। इसका नाम क्या है? मा सिन राम। मेघालय में ही मा सिन राम है। जब आप शिलोंग से निकलोगे, दो रूट निकलते हैं, एक रूट सीधे जाता है जो आपको सीधे मा सिन राम लेके जाएगा, एक रूट लेके जाएगा आपको चेरापुंजी की तरफ। तो चेरापुंजी और मासिनराम दोनों अलग अलग जगह है। बढ़ो आगे, गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगा? फिर पंजाल रेंज में। क्यों फेमस है? अल्पाइन वेजिटेशंस के लिए। अल्पाइन वेजिटेशन समझ रहे हो, एक ट्री लाइन्स होती है, उस ट्री लाइन के ठीक नीचे जो आपको पेड़ पत्ती मिलने वाले हैं, वो सर अल्पाइन वनस्पति ही मिलती है। भाई पहाड़ों पे चढ़ोगे आप, हाइट पे जाओगे तो लगभग 4 किलोमीटर की हाइट पे जाओगे तो वहां आपको एक ट्री लाइन मिल जाएगी। ट्री लाइन सर वो लाइन होती है जिसके ऊपर आपको कोई भी पेड़ पत्ती नहीं मिलने वाली। जो पेड़ पौधे मिलेंगे वो ट्री लाइन के नीचे नीचे मिलेंगे, और जो ट्री लाइन के पास मिलते हैं वही है अल्पाइन। अल्पाइन मतलब आप देखोगे तो यहाँ जो पेड़ होते हैं कुछ ऐसे नुकीले होते हैं, मतलब इनके ऐसी ट्राइंगल शेप बनेगी। हाँ, तभी तो मैंने कहा ना वेटेस्ट वेटेस्ट प्लेस। और अरातारिका जी, वेटेस्ट प्लेस का मतलब यही होता है, मतलब बारिश का ज्यादा होना। गल्फ ऑफ कच्छ, सिंपल है यार, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ मिलेगा? कच्छ है ना, और काठियावाड़। देखो नॉर्थ का जो हिस्सा ना, ये वाला कैंची होते हैं ना, कैंची दो हिस्से, कैंची का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम कहते हैं कच्छ, और कैंची का जो निचला हिस्सा है उसे कहते हैं काठियावाड़। तो गुजरात के ये दो हिस्से हैं, कच्छ और काठियावाड़। इसे कच्छ क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली ये कच्छ वाला रीजन, एक रण ऑफ कच्छ है सर, एक लिटिल रण ऑफ कच्छ है, और एक कच्छ का पूरा रीजन है। उसी के साथ जो रीजन दिखेगा, गल्फ ऑफ कच्छ है ये, और ये है नीचे काठियावाड़। इसी काठियावाड़ में यहाँ पर एक आइलैंड दिखेगा दीव वाला, तो यहाँ पर एक दमन है जो महाराष्ट्र के साथ लगता हुआ दिखेगा, एक दीव है, दमन एंड दीव ये दोनों एक पार्ट है ना। बढ़ो आगे, अंकलेश्वर डायमंड इंडस्ट्री के लिए नहीं फेमस है, पार्ट ऑफ गुजरात तो है बट ये ऑयल के लिए फेमस है, मतलब मिनरल्स जो गैस वगैरह निकालते हैं, जो ऑयल निकालते हैं उसके लिए फेमस है, रिफाइनरीज के लिए फेमस है। आप देखो यहाँ पर गुजरात में मिलेगा भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंकलेश्वर, तो नज़दीक है समुद्र के, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज वगैरह मिलेंगे आपको अंकलेश्वर। रामेश्वरम ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा? जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मिलेगा, और पंबन पास है जिससे आप लोग कनेक्ट करते हो। तो देखो ये सारा जो पास है ना, ये वाला पास, इसे पंबन पास कहते हैं, और इस पंबन पास का एक तरफ का जो हिस्सा है वो रामेश्वरम का है, दूसरी तरफ का हिस्सा है तमिलनाडु का मेनलैंड है। जो तमिलनाडु का मेन हिस्सा है वो वाला हिस्सा, इसके आगे की तरफ बढ़ोगे तो रामेश्वरम आइलैंड है, और बीच में ट्रेन के लिए एक कनेक्टिविटी है। तो सर इसी पास को हम लोग बोलते हैं पंबन पास, पंबन है ना, रामेश्वरम के पास जो रेलवे स्टेशन जो पॉइंट है पंबन, तो पंबन पास। और तलाई मनार दिख रहे हो यहाँ पे, ये जो तलाई मनार है ये किसका हिस्सा? श्रीलंका का। तो तलाई मनार और रामेश्वरम का बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ एक आइलैंड का ग्रुप है जिसे कहते हैं कछावितु। ये जो कछावितु है ये इंडिया ने हैंडओवर कर दिया है श्रीलंका को, ये डिस्प्यूटेड था कभी। यहाँ आ जाओ,
तो सर रामेश्वरम और तलाईमनार के बीच में एक हिस्सा है जिसे हम लोग एडम्स ब्रिज बोलते हैं, एडम्स ब्रिज। ठीक है, जिसे आप लोग राम सेतु भी बोलते हैं। और ये जो एडम और ईव की कहानी पढ़ते आए हो ना आप लोग, आदम और हव्वा जब दोनों मिले, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ह्यूमन सेटलमेंट थी वो स्टार्ट हुई, जो इंसान थे उनकी बिगिनिंग हुई। ठीक है, तो कहते हैं कि वो जो एडम था ना वो कभी इस रीजन में बढ़ा था, मतलब इस रीजन में आया था, मतलब इस पॉइंट पे आया था, इस इन पत्थरों पे चला था एडम्स, एडम्स, इसलिए इसका नाम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं और हम राम सेतु कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है डियर जी, 1982 से, सॉरी 83 से 88, जो वर्ल्ड जियो में जो प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस थी उसको हम लोगों ने सीख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया क्या क्या आए थे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, और लाइक से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आज का सेशन नो डाउट इन्फॉर्मेटिव था, पसंद आया था कुछ लोगों को। किसी का कोई फीडबैक कमेंट है तो आप लिख सकते हैं। बाकी फिर आज के लिए हम लोग जो टॉपिक हैं ख़त्म करते हैं डियर जी। ठीक है, अगर किसी का कोई पॉइंट है, टॉपिक कमेंट करना है, फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। बाकी आप सबकी प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो मच डियर जी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, रोहन हिमांशु झा के नाम से मैं मिल जाऊंगा, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी वीडियोज़ आती हैं सारी वीडियोज़ के लिंक PDF आपको मिल जाता है। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको रोहन सर का कोड अप्लाई करना है। जितने भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना, जितने भी आपके दोस्त ले रहे हैं, भाई बंधु, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका दोस्त, सब कोई भी ले रहा है, तो उसके लिए एक 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड अप्लाई करना है ROH, ये ध्यान रख लेना। बाकी सभी का थैंक यू सो मच डियर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। भाई राम जी चौरसिया तुम कुछ भी ले सकते हो दोस्त, यू आर इन इंडिया, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सत्यम कुमार ठाकुर जी, सत्यम कुमार ठाकुर जी, आज पहली बार आपका कमेंट आया, 10 दिन से कहाँ आप आ रहे हो। हाँ सरित प्रीतम, गुड नाइट डियर, अभिषेक कुमार झा, ये कौन है भाई, माफी चाहूंगा। आकाश सैनी जी, थैंक यू सो मच। सत्यम कुमार ठाकुर, ले तो लिया नाम, बताओ अब क्या लूटोगे, है ना, 10 दिन से वेट करने की जरूरत ही नहीं दिया, पहले ही बोल देता तो मैं लेता। गुड नाइट आकाश, गुड नाइट, ऑलवेज वेलकम। ठीक नाइट प्रेम, गुड नाइट। तो चलो मुझे नहीं लगता किसी का कोई डाउट होगा। लांबा जी, गुड नाइट डियर, गुड नाइट। ओ ठीक है, अरे बहुत टीचर हैं यार अनअकैडमी के, क्या कर सकते भाई। सत्यम कुमार ठाकुर आप कभी नहीं आते दोस्त, है ना, आते तो हम याद रखते, है ना, मोहब्बत को हम तवज्जो देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अंत भला सब भला। और कुछ भाई, जल्दी जल्दी 1 मिनट आप लोगों के पास, जिसका किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर विंड अप करते हैं आज के सेशंस को। और जो मेरे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर आगाज सेशन के साथ जुड़े होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आगाज सेशन मेरा नहीं होगा डियर जी, देर शैल बी नो आगाज सेशन फॉर टुमारो, तो प्लीज़ कॉपरेट, कल आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो भी दूसरे सर हैं उनके सेशंस होते हैं, जो एजुकेटर हैं, आप उनके सेशन ले सकते हो, मेरा सेशन नहीं होगा कल आगाज का। ठीक है, गुड नाइट डियर जी, गुड नाइट यारी से, देर शैल बी नो आगाज सेशन फॉर टुमारो, गुड नाइट। तो अभिषेक बिल्कुल होगा, टेंशन मत लीजिए, इसके लिए प्लानिंग चल रही है। अभिषेक कारजी टेंशन मत लीजिए, इसके लिए आपकी प्लानिंग चल रही है, उसको जल्दी ही हम लोग लेकर के आएंगे। हाँ बिल्कुल लेते हैं सत्यम कुमार, दुनिया में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मुझसे अच्छी क्लास लेते हैं। जो कंपैरिजन करने पे आ जाए, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूं मैं उसे।
ऑलवेज वेलकम अभिषेक, ऑलवेज वेलकम। अब उछल कूद तो आती नहीं ना भाई मेरे को, उछल कूद करता तो मैं भी पसंद आता ना। चलो ठीक है, तो विंड अप करते हैं आज के सेशंस को।